हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स प्रोफेसर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों बेस थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द प्रोबेबिलिटी। और यहां से आपका एग्जाम में केस स्टडी आती है भाई, चार नंबर की डायरेक्टली। सीरियसली यहां से चार नंबर की डायरेक्टली आपकी केस स्टडी बन सकती है, और तीन नंबर का एक डायरेक्टली यहां से सवाल भी बन सकता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां से सीधे स्टेटमेंट वाले सवाल उठ के आते हैं भाई एग्जाम के अंदर, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर पूछने के लिए भी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक्सप्लेन कर जो हमें समझनी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई कि बेस थ्योरम है क्या, और इससे पहले कि क्या कॉन्सेप्ट है जिससे आप बेस थ्योरम को समझ सको, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और बेस थ्योरम में क्या कितना बड़ा अंतर है, और अभी तक जो हमने जिस तरह की प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है किस टाइप की प्रोबेबिलिटी है, ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बेस थ्योरम को समझने से पहले कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। हम इसमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है, और हम इसमें थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कि मैं इसके बारे में और बात करूं, पहले कुछ जो मेन मुद्दे हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है यहां पे भाई, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है भाई, इसको समझने के लिए आपको पहले सैंपल स्पेस का पार्टीशन समझना पड़ेगा। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। चलिए, तो नाम से ही समझ में आ रहा है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। पार्टीशन का मतलब क्या हो गया? डिवाइड कर देना। देखिए, हमारे पास कोई भी एक सैंपल स्पेस है, सपोज हमारे पास कोई भी एक सैंपल स्पेस है, और इसके जो पॉइंट्स है E1, E2, E3, E4, .. EN, ये सारे इसके इवेंट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मान लो मेरे पास ये एक सैंपल स्पेस है, इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे भाई। ये मेरे पास कोई भी इवेंट है, यहां पर मान लो ये कोई इवेंट है A, ये वाला जो ब्लैक में आप देख रहे हो, ये पूरा इवेंट A है, राइट। अब मैंने क्या किया भाई, सैंपल स्पेस तो ये हो गया पूरा, और ये इवेंट ए हो गया जो सैंपल स्पेस के अंदर हो रहा है। यहाँ पे दो बातें समझाऊंगा। तो यानी कि अगर मैं इसको पार्टीशन कर रहा हूं, यानी सैंपल स्पेस को मैं बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, इस तरीके से ऐसे करके मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ओके। तो मैंने इसके कई सारे पार्ट बना दिए भाई। अब देखो, एक तरीका नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। किसी भी सैंपल स्पेस को तोड़ने के, पार्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना भाई। अगर मान लो मैं कोई डाई रोल कर रहा हूं, अब मुझे उसका सैंपल स्पेस लिखना है भाई। सैंपल स्पेस तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, लेकिन उस सैंपल स्पेस को मैं कई तरह से पार्ट कर सकता हूं भाई। मैं 1, 2 को ग्रुपिंग कर दूं, ठीक है, हो सकता है मैं 3, 4 को ग्रुपिंग कर दूं, ठीक है, यानी 5, 6 को ग्रुपिंग कर दूं। तो मैं ऐसे ग्रुपिंग करके कई सारे में इसके पार्ट बना सकता हूं, इवन नंबर में या ऑड नंबर में, प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में, इसमें मैं कई सारे पार्ट बना सकता हूं, होता है कि नहीं। तो यानी कि यहां पे जो आप देख रहे हो भाई, डिफरेंट डिफरेंट जो इवेंट आप यहां पे देख रहे हो, ये E1 है सपोज, ठीक है, ये वाला इवेंट E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये वाला इवेंट E4 है, ये वाला E5 है, एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे इसमें N इवेंट हो गए। तो ये जो हम E1, E2, E3, E4 लिख रहे हैं भाई, इसे हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। यानी सैंपल स्पेस को हमने कई सारे छोटे छोटे इवेंट वाले पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लेकिन अब क्या सारे इवेंट पार्टीशन, जो भी अगर हम किसी भी, अगर कोई भी सैंपल स्पेस अगर हम पार्टीशन करते हैं, तो क्या सारे पार्टीशन या सारे इवेंट वो पार्टीशन बनाते हैं भाई? पार्टीशन के लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? किसी भी सैंपल स्पेस को पार्ट करने की जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, किसी भी सैंपल स्पेस को, यानी कि अगर हम पार्टीशन बोल रहे हैं कि भाई जो इवेंट्स है E1, E2, E3, ये सारे पार्टीशन है, तो इसकी भाई तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब आपको पता होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इसे हम बोलते हैं भाई पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए।
इसका मतलब किसी भी इवेंट में E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है, E2 इंटरसेक्शन E3 यानी कि, और E4 इंटरसेक्शन E5, ठीक है, या E3, और ऐसे ही सो ऑन EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5। ये सारे इवेंट जो होंगे, जो यहां पे दिस जॉइंट सेट होना चाहिए, पेयर वाइज दिस जॉइंट सेट होना चाहिए, यानी कि किसी भी दो इवेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि पहली कंडीशन तो ये कि अगर हम किसी भी सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर रहे हैं तो यानी कि जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली पेयर वाइज यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, यानी E1, E2, E3, E2, E3, E4, E4, E5 या E3, E4, ठीक है, ऐसे करते करते सो ऑन सारे जितने भी है कॉन्सिक्यूटिव जितने भी इवेंट्स है सब क्या होना चाहिए, पेयर वाइज नल सेट होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है इसका पार्टीशन हो गया है। भाई कोई भी इवेंट जो है यानी एक इवेंट दूसरे इवेंट का सबसेट नहीं होना चाहिए, अगर सबसेट हुआ तो वो पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन इंक्लूड हो चुका है। चलिए दूसरी जो कंडीशन है भाई यहाँ पे, यानी ध्यान रखना आई और जे नेवर बी इक्वल, यहाँ पे आई और जे बराबर नहीं होगा भाई, पहली बात तो आई और जे यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए, और आई जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि सबस्क्रिप्ट होता है ये नीचे जो लिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होना चाहिए, अब इसका मतलब क्या है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कई सारे इवेंट्स हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब है कि उन सभी इवेंट का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि भाई जो E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3 यूनियन, E4 यूनियन एंड सो ऑन EN यूनियन EN, ये सब क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हो EI यूनियन EJ, ठीक है, और इक्वल समेशन इक्वल टू सैंपल स्पेस, और आई और जे भाई यहाँ पे वही आई और जे यहाँ पे क्या है 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगा, आई और जे इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि भाई जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव यानी कि पहली कंडीशन है पार्टीशन की कि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होना चाहिए, तभी आप सैंपल स्पेस को क्या कर सकते हो, पार्टीशन कर सकते हो। बट यहाँ पे तीसरी कंडीशन और है, वो तीसरी कंडीशन क्या है, जो तीसरी कंडीशन है यहाँ पे कि भाई कोई भी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, एक ये कंडीशन और है। तो अगर हमारी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, ठीक है, ऑल इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव यानी इवेंट्स जो हो रहे हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, और इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी पेयर वाइज दिस जॉइंट सेट है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सैंपल स्पेस है, जो गिवन सैंपल स्पेस है उसका क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, और ये जो E1, E2, E3 है ये पार्टीशन का हिस्सा है यानी पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल आप यही कह सकते हो कि जैसे कई सारे जो जो स्टेट स्टेट का सॉरी कई सारे जो कंट्रीज हैं वो एक एक पूरे जो अर्थ है इसका पार्टीशन है, ठीक है ना, यानी जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं सारे, ठीक है, एक दूसरे के इंटरसेक्शन में नहीं आते, यानी आप कह सकते हो, ठीक है, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, यानी कॉमन कोई भी कंट्री नहीं है आपस में, राइट। तो सड़कें हो सकती है, बात अलग है, रास्ता एक हो सकता है, उसकी हम लोगों की बात करें तो हर एक लोगों की एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, इन द यूनिवर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप कह रहे हो कि बहुत सारी किंगडम वगैरह है तो भाई वो यूनाइटेड किंगडम हो गया, जैसे ठीक है यूए हो गया, ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, या इस तरीके से बहुत सारे जो जो कंट्रीज हैं जो आपस में क्या कहते हैं वो चार पांच कंट्री को लेकर चलती है, भाई वो भी एक तरह से पार्टीशन का ही हिस्सा है, वो सारे अपने आप में यूनिक ही है। हाँ, बाकी शेयरिंग क्या कर रहे हैं उससे मैं मतलब नहीं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओनली कि ज्योग्राफिकली सब कुछ ये पार्टीशन है पूरे अर्थ पे। तो ऐसे आप ये कह सकते हैं सैंपल स्पेस जो होता है वो एक तरह से क्या कहते हैं इसके जो इवेंट्स होते हैं वो तभी सैंपल स्पेस का पार्टीशन होगा जब ये सारे इवेंट्स क्या होंगे भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होगा, ठीक है, और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी
होनी चाहिए। तो भाई ये तो हो गया पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की। अब इसमें एक बात और निकल के सामने आती है, वो है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है, इसी के अंदर एक चीज और निकल के आ रही है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की। अब देखो ये थोड़ी बेस थ्योरम से अलग है हल्की सी, ठीक है, ये सब चीजें सारी चलेंगी, ये थोड़ी सी बेस थ्योरम से अलग है, अभी बेस थ्योरम हम करेंगे जब तब बताऊंगा। तो ये मान लो मेरे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। चलिए देखो, मैंने शुरू शुरू में यहां पे ए लिखा था, इसका रीजन था, अब यहां पे ए का यूज होगा। मान लो मेरे पास कोई भी एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है, और इस सैंपल स्पेस की हाइपोथेसिस है, क्या ये हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको हम, यानी जो ई वन, ठीक है, ई टू और ई थ्री एंड ई फोर सो ऑन ई एन, ये सारे भाई हाइपोथेसिस कहलाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब हो गया कि भाई आपने मान लिया कि कोई भी एक सैंपल स्पेस है, उसके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स है वो ये दे रखा है। ये भाई है जो आप नॉर्मल भाषा में बोलते थे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ये वही बात है भाई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हाइपोथेसिस का मतलब जो इवेंट यहाँ पे E1, E2, E3, EN है, ये सारे हाइपोथेसिस है भाई, आपने मान लिया कि भाई ये इवेंट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, पूरी कंसिडर पे चल रहे हो भाई, मान लिया ये है, मान लिया वो है, मान लिया ये है, ठीक है ना। अब एक पासे पेयर, ठीक है, हम बोलते हैं क्या भाई, एक पेयर डाई है, पेयर डाई है, लेकिन अगर हम बोल दे भाई अनपेयर डाई है, अनपेयर का मतलब क्या हो गया कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 नहीं है, 7 कर दिया, तो अनपेयर हो गया भाई, 6 कहां चला गया, ठीक है, 7 तो आ ही नहीं सकता। तो यानी एक तरह से हमने बात भाई सीधे बोल दी कि इसमें एक तरह से जो भी नंबर आप लिखोगे वो सारे कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, और 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, उसके 6 फेस हो गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाम दे दिया उसका, है ना। तो इसे हम पेयर बोलते हैं, तो इसलिए हम उसमें क्या भाई मान लिया कि अगर मान लो अनपेयर डाई है तो उसमें बता दें भाई 7 भी है, हमने 6 हटा दिया, 7 रख दिया, तो हम क्या करेंगे, मान लो भाई चलो ठीक है, वैसा होता है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लेट कर ले, चलो ठीक है भाई होगा, कर दिया एक अनफेयर डाई भाई, गलती से 6 की जगह 7 लिख दिया होगा, तो भाई वही इवेंट आप कह सकते हो कि भाई ये अनुमानित इवेंट्स होते हैं, अनुमानित तो लगाते एक तरह से, हम क्या बता रहे कि भाई सैंपल स्पेस है, कोई भी एक इवेंट हो रहा है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो हम उसमें अनुमान लगाते हैं भाई इसके पॉसिबल टोटल आउटकम ये हो सकते हैं, और अनुमान भाई श्योर होना चाहिए लगभग, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, हालांकि हो सकता है कुछ और भी आ जाए, अब सिक्के को टॉस कर रहे हो आप, हेड और टेल आएगा ये सर्टेन है, लेकिन हेड और टेल के अलावा तो कुछ और कुछ भी आ सकता है, मतलब क्या भाई सिक्का खड़ा हो गया फिर क्या करोगे, तो नल सेट बन गया। तो भाई ये केस बहुत रेयर हो सकता है, बहुत कम चांस है, ऐसी डाई है, डाई को रोल किया भाई, डाई को रोल करेंगे कोई ना कोई नंबर तो आएगा, लेकिन अगर सपोज डाई को रोल कर रहे हैं और कोई भी नंबर ना आए तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, डाई अगर अपने एज पे खड़े हो जाए, कोने पे, एक वर्टेक्स पे खड़ा हो जाए सपोज, तो हो सकता है इट इज पॉसिबल, बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब तो नल सेट हो जाएगा उस केस में। तो भाई ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम सोचते हैं कि भाई चलो ये हो ही नहीं सकता, ये लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है, ठीक है, तो इसलिए हम उसमें क्या पॉसिबल आउटकम को कंसिडर कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं भाई ये सारी पॉसिबल संभावनाएं हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, वही ये हाइपोथेसिस है भाई, बस नया वर्ड आ गया और कुछ नहीं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे जो इवेंट आप देख रहे हो PE1, ठीक है, PE2, PE3 एंड .. PEN, भाई ये सारे भी तो इवेंट्स हैं, ये सारे भी तो इवेंट्स हैं, और इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी होगी। तो भाई ये क्या है, E1, E2, E3 इन सब की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इन सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो लेट कर लो भाई PE1, E2, E3, EN, ये सारी क्या प्रोबेबिलिटी है इस सैंपल स्पेस में जो इवेंट हो रहे हैं। जैसे आपने एक डाई को रोल कर दिया, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब भाई एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दो आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तीन आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, चार आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, छह आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इसका मतलब E1, E2, E3, E4, E5, E6, जिसे आप बोल रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये क्या है, ये सारी प्रोबेबिलिटी, ये जो इवेंट्स हैं, ये सारे हाइपोथेसिस है, और इन सारे हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, सभी के बराबर होगी। अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, इक्वल होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस।
बट सपोज भाई हमें एक ऐसा इवेंट दे दे जो पहले हो चुका है, हमें एक ऐसा इवेंट दे दिया जो पहले ही हो गया है, और ये इवेंट ए है सपोज, ठीक है, ए जो इवेंट है ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ए इज इवेंट विच ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड, ये इवेंट पहले से दे दिया हमें कि भाई हमें ए इवेंट गिवन है, और अब बताइए, और ये E1, E2, E3, E1, EN जो है ये इवेंट हो चुके हैं, और ये जो इवेंट है ना सारे E1, E2, E3 ये सारे ए इवेंट से, ए इवेंट इसके अंदर भी आ रहे हैं, तो मतलब सारे इवेंट जो है ए इवेंट का क्या है, सब सेट है। तो इसका मतलब भाई दो, जैसे मान लो मैं E1 की बात कर रहा हूं, E1 और ए में कुछ तो कॉमन है, ये कॉमन आ गया है कि नहीं भाई, ये इंटरसेक्शन बन रहा है यानी ए इंटरसेक्शन E1, सेम यहाँ पे ये E2 भी तो कॉमन दिख रहा है, कॉमन रीजन है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन E2, यानी कि आप ये कह सकते हो आपकी भाई जो E1 और E2 है, जो EN है, E5 है, कोई भी इवेंट जो यहाँ पे हो रहा है, जो ए से किसी भी तरीके से लिंक हो रहा है, ए से किसी भी तरीके से लिंक हो रहा है, ये वाला देखो रीजन आप, ठीक है, ये सारे क्या है, ये ए पे डिपेंडेंट है, ए पे क्या है, डिपेंडेंट है, ये इनडिपेंडेंट इवेंट नहीं हो गए, ये ए पे डिपेंड हो गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी कि भाई यहाँ पे कंडीशन दे दिए कि ए हो रहा है, ठीक है, ए हो रहा है, और बताइए कि E1, E2, E3, E5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ए हो गया, ठीक है, या मान लो E1, E2, E3 हो चुकी है और ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसको ऐसे उल्टा भी समझ सकते हो, मतलब क्या भाई ए इवेंट हो चुका है, ठीक है, और या आप ये कह लो कि इसको ऐसे लेट करके चलो कि लेट करो E1, E2, E3 एंड सो ऑन ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, दे हैव अकर्ड, ठीक है, अब हमने एक ऐसा इवेंट फाइंड करना है जो इन सब के क्या है, इन सब के इंटरसेक्शन के बराबर है, ठीक है, यानी कि हमने लेट कर लिया कि भाई ए एक ऐसा इवेंट है जो E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन सभी के क्या है, इंटरसेक्शन के बराबर है, यानी सभी के इंटरसेक्शन के बराबर है, तो भाई टोटल यहां पे जो प्रोबेबिलिटी ए है, सो ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी इस ए की जो जो ए इवेंट है जो E1, E2, E3 सभी के साथ इंटरसेक्शन बना रहा है, सभी पे डिपेंडेंट है एक तरह से, यानी भाई ई पे भी डिपेंड कर रहा है, E2 पे भी डिपेंड कर रहा है, E3 पे भी डिपेंड कर रहा है, E4 पे भी डिपेंड कर रहा है, तो भाई ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस केस में भाई आती है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो इस केस में जो हम देखें अगर, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट ईआई ऑलरेडी हैपेंड, ईआई का मतलब कोई भी इवेंट हो सकता है, लेट कर लो जो ए1 इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट ई1 ऑलरेडी हैपेंड, यानी ई1 पहले ही हो चुका है, ये सारी इवेंट हो चुकी है, इसको हमने हाइपोथेसिस बोल रखा है, तो ये प्रोबेबिलिटी पहले ही हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं भाई अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ये जो यहाँ पे हो चुकी है, ये जो पहले इसको हम बोलते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, इसको हम प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बोल देंगे इसको, ठीक है, यानी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो इसको आप क्या बोल रहे हो, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो, ओके। और भाई ये इवन जो है ना, ये वाली भी, ये भी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है, और ये भी ये आपको निकालना है, ठीक है, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ये तो प्रायोरी होगी, ये कंडीशन होगी भाई, ये वाली कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इसे हम कंडीशन बोलेंगे, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E1 ऑलरेडी हैपन, ऐसे तो निकालते ना, यानी ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन में PE1, ये तो हो गया, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर आप देखो जो पी ए इंटरसेक्शन E1 है वो क्या हो जाएगा, PA by E1 और into में PE1, ऐसे हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया कि भाई अगर E1 कोई इवेंट गिवन है और वो हो चुका है, तो हमारे को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी, तो भाई जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो A by E1 वो इसके बराबर हो गया। और अगर आप देखो भाई A इंटरसेक्शन, यानी केवल आपको इसकी निकालनी है, इस A की प्रोबेबिलिटी, ओनली A निकालना है, यानी PA की क्या प्रोबेबिलिटी आपको यही निकालना है, तो क्या करोगे, तो भाई अभी तो आपने ये वाला निकाला ना भाई, इस रीजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये हो गया A इंटरसेक्शन E1। अब ऐसे आप इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ये क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन E2, है ना, तो यानी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो A इंटरसेक्शन E1 प्लस PA इंटरसेक्शन E2 प्लस
PA intersection E3 and plus में so on PA intersection EI, ऐसे करके हो जाएगा, यही तो होगा। यानी यहां पे जितने भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं भाई, इन सबको जोड़ दूं, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी भाई। इन सबको अगर ऐड कर दोगे सारी प्रोबेबिलिटी को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा ना। आप सोचो जरा भाई, ये रीजन पूरा ए का है, अगर मैं सारे इवेंट अगर जैसे जोड़ता जाऊं इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो भाई टोटल प्रोबेबिलिटी ए के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो नया हमारे पास एक फॉर्मूला आता है पी ए, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ए, ठीक है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई, जो ये हमारे पास आ रहा है इस तरीके से पी ए बाई ई आई, ठीक है, और इवन इंटू में पी ई वन, या आप इसको ऐसे लिख लो, उल्टा लिख लो, पी ई वन इंटू में पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू में पी ए बाई ई टू एंड प्लस सो ऑन, ऐसे टोटल एन नंबर तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन आई पी ई आई, यानी पी ए बाई ई आई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो थ्योरम वेरम नहीं आते एग्जाम में, जस्ट आपको पता होना चाहिए ये आ गया हमारे पास, और एक ये वाला जो हमारे पास पार्ट आ रहा है, ठीक है, एक ये पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में ये हल्की फुल्की आपको नॉलेज पता होनी चाहिए। देखो मैथ सीखना है तो आपको ये सारी चीजें भी पढ़नी चाहिए, ठीक है, ओनली जस्ट फॉर्मूला लगाने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में बिल्डअप भी करना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो कोई भी सवाल आ जाए वो तो आप झटाक से कर दोगे, ठीक है। तो देखिए, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में कंडीशन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही, एक तरह से जितने भी हमारे पास जो इवेंट ए हो रहा है, और इसमें जो इवेंट हमें ए दे रखा है, और जो ई वन ई टू ई फाइव जो ए के साथ इंटरसेक्शन बना रहे हैं, तो यानी कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर है जो ए के साथ है। तो यानी कि ये आपके पास टोटल फॉर्मूला है, ठीक है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ई वन इंटू में पी ए बाई ई वन, और अगर आईएथ है तो पी ई आई और इंटू में पी ए बाई ई आई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन लिख देता हूं मैं, साफ सुथरा, क्योंकि अभी इसी से हमें नई चीज स्टार्ट करनी है, जो बेस थ्योरम है वो यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हम एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो सैंपल स्पेस में जो पार्टीशन हमने किया था इवेंट्स की, वो उसके क्या है, इंटरसेक्शन के बराबर है। तो यानी कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारे पास, ठीक है, जो हम जैसे ए जो है एक तरह से इट इज अंडर द कंडीशन ऑफ ई वन ई टू ई एन तक, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो ए है वो कुछ इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वन इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटरसेक्शन ए, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई सिग्मा आई, यानी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो भाई ये हो जाता है पी ई वन, यानी पी आई कह दो, और इंटू में पी ए बाई ई आई कह दोगे, ठीक है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो बेस थ्योरम में तीन स्टेटमेंट होती है, ध्यान रखना, ठीक है, बेस थ्योरम में तीन स्टेटमेंट आएगी, मतलब तीन स्टेटमेंट में वो सवाल पूछा होता है, तो उस बात का ध्यान रखना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीधे बोली जाती है आपको कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कोई इवेंट ए दे रखा है और हमें नेक्स्ट इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बेस थ्योरम में हम अलग करते हैं, तो जब हम बेस थ्योरम करेंगे तो तीन चीज दी होगी भाई, तीन कंडीशन दी होगी, तो उस बात पे गौर करना, आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे आफ्टर सेट ऑफ क्वेश्चन करने के बाद। चलिए बेस थ्योरम के बारे में बताता हूं कि बेस थ्योरम है क्या। अब देखो क्वेश्चन करने तो लगभग सारे क्वेश्चन जो है, चलिए बेस थ्योरम करना है, अगेन मैं वही पिक्चर बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ सेम जो से पहले मैंने बनाया था। मानो एस मेरे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है, और ये मेरे पास कोई इवेंट ए है, और मैंने इसको क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो यानी कि
ये इवेंट E1 है, ये E2 है, ऐसी E3 एंड सो ऑन करके EN तक है, ठीक है। तो यानी कि लेट कर लो कि भाई कोई भी सैंपल स्पेस है E1, E2, E3 डॉट 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 EN, ये क्या है, पार्टीशन बना रहे हैं, ठीक है। तो E1, E2, E3 ये क्या सारे पार्टीशन पार्टीशन बना रहे हैं सब, ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पता है कोई भी पार्टीशन अगर बनता है किसी सैंपल स्पेस का, तो उसकी तीन कंडीशन है, यानी कि भाई पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट होना चाहिए, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, दूसरा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन यानी प्रोबेबिलिटी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी नॉन जीरो होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। अब देखिए बेस थ्योरम में है क्या, बेस थ्योरम को एक और नाम से जाना जाता है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको हम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। और इसका नाम एक और है भाई, रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो, और एक नाम और है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक तरह से मेथड है, देखो होती क्या है, इस थ्योरम का यूज कब करते हैं, ये थ्योरम तब यूज होती है, मान लो मेरे पास कोई इवेंट दे रखा है, वो हो चुका है, ठीक है, और हमें पूछा जाए कि भाई अब अगर सपोज यहां से ये इवेंट निकल के आता, ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल ऐसे लेता हूं, मान लो मेरे पास एक बैग है, दो बैग है मेरे पास, एक बैग वन है और एक बैग टू है, मेरे पास दो बैग है सपोज, इसमें 5 रेड बॉल, ठीक है, और 3 ब्लैक बॉल है सपोज, और इसमें 3 रेड बॉल और सपोज 5 ब्लैक बॉल है, लेट कर लो ऐसे, ठीक है। अब मान लो मैंने इन बैग को चूज किया, इन बैग को मैंने चूज किया, अब बैग चूज किया तो भाई इसकी भी इवेंट है, तो जो मैं बैग को बैग चूज कर रही, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस का पार्ट है, मैंने बैग चूज किया, पहला बैग चूज किया, ठीक है, या दूसरा बैग चूज कर रहा हूं, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी बराबर होगी भाई, इस बैग की चूज करने की प्रोबेबिलिटी 50%, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50%, तो 1/2 1/2। अब मैंने बिना जाके कोई भी एक बैग उठा लिया और उसमें से एक बॉल निकाल ली, तो मैंने बोल दिया मैंने जो बॉल निकाली है वो रेड आ गई, मैंने जो बॉल निकाली रेड आ गई, तो भाई मेरे पास दो इवेंट हो गए, पहला इवेंट क्या है कि मैंने बैग चूज किया, बैग सेलेक्ट किया भाई, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 1/2 1/2। फिर मेरे पास दूसरी कंडीशन आ गई कि भाई मैंने बैग चूज कर लिया, कोई भी एक बैग उठा लिया और उसमें मैंने बॉल निकाल ली, अब मैंने जो बॉल निकाली रेड आ गई भाई, बॉल रेड आ गई, ठीक है, अब मुझे नहीं पता मैंने बैग वन उठाया था टू उठाया था, आई डोंट नो कि मैंने बैग वन उठाया या टू उठाया, मुझे नहीं पता, ठीक है, बस मैंने उठा लिया, और मुझसे पूछा जाए कि भाई आपने जो बॉल निकाली जो कि लाल बॉल है, रेड कलर की बॉल है, ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो बॉल है पहले बैग से या सेकंड बैग से निकाला है, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा बैग उठाया था, मैंने बस आंख बंद करके एक बैग उठाया, बॉल निकाली और देखा भाई रेड बॉल है, और मुझसे पूछा भाई अभी जो आपने बॉल निकाली बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपने किस थैले से बॉल निकाली है, तो भाई इसको हम बोलते हैं, दो मेरे को ये तो पता है, अगर मुझे ऐसे पता होता कि मैंने भाई बैग उठाया पहला वाला, ठीक है, मैंने लाल बॉल निकाल ली, सिंपल सी बात है, बैग उठाया पहला वाला लाल बॉल निकाल ली, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है भाई कितना, 5/8 हो जाएगा, खत्म आंसर। लेकिन हम उससे बोला जाए मैंने तो बैग देखा ही नहीं भाई, मैंने बैग उठाया कोई भी रैंडमली एक उन दोनों में से, और भाई बिना ताके जाके बॉल निकाली रेड आ गई, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बैग से आई है, तो देखो पहले केस में मुझे बैग टू बॉल पता था, पहले केस में क्या था मुझे, देखो समझो इसको, मेरे को पहले केस में ये पता था कि मेरे को बैग से मैंने बॉल निकाली, पहले केस में जिसे मैंने बैग को देखा और बॉल निकाली, बैग देख के बॉल निकाली, पहला थैला उठाया और बॉल निकाल ली, लेकिन दूसरे केस में क्या है कि अब मेरे को नहीं पता कि मैंने कौन सा बैग उठाया और बॉल से मुझे बैग देखना है, ठीक है, बॉल से बैग हो गया, पहले केस में बैग से बॉल था, दूसरे केस में बॉल से बैग हो गया, तो यहां पे रिवर्स उल्टा चल रहा है, समझो ट्रेंड को, बैग से बॉल और बॉल से बैग उल्टा आ गया ना वापिस, तो इसलिए हम इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। मतलब क्या है यहां पे भाई, सीधी सी बात है कि अगर मैं बिना देखे बैग उठा रहा हूं और फिर मुझसे पूछा जाए कि बताओ कि जो तुमने बॉल निकाली है और जो रेड कलर की बॉल है ये दूसरे वाले बैग से आई है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इन सच केस यहां पे बेस थ्योरम पिक्चर में आता है, और बेस थ्योरम का सवाल होता है इस तरीके से, जहां पे आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका रिवर्स बता दो कि भाई
कि आपके पास ये इवेंट तो हो चुका है, लेकिन ये इवेंट यहां से हुआ है, यानी इसका कारण क्या है, किस किस वजह से हो रहा है ये इवेंट, किसके कारण ये इवेंट आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस, किसके कारण ये इवेंट हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस। तो ये हमारे पास एक्चुअली बेस थ्योरम का मेथड होता है जिससे हम इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब भाई एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, लेट कर लो भाई ये इवेंट ए गिवन है, मान लो मैंने भाई पहले चूज किया कि E1, E2, E3 यहाँ पे बैक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी, ये इवेंट है, मैंने इसको पहले ही बता दिया, इसे हम बोलते हैं प्रायोरी इवेंट बोलते हैं। और जो इनसे जुड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, इनसे जुड़ी जो प्रोबेबिलिटी होती है PE1, ठीक है, PE2 और PE3 एंड सो ऑन, इसको हम बोलते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये बात ठीक है। अब हमें क्या बताना है भाई, पोस्टीरियोरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें बताना है भाई, कॉज क्या है, पोस्टीरियोरी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें बताना है, इसी को हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम बोलते हैं। तो चलिए जरा इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो एक तरह से आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही पूछी जा रही है भाई, यानी कि आपसे बोल दिया कि भाई ए इवेंट गिवन है, ये हमें गिवन इवेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे इवन जो है अंडर द कंडीशन ए है, या ए जो है अंडर कंडीशन इवन है, आप ऐसे लेट कर लो, और इवन, ठीक है, इवन हो गया, ए टू हो गया, ई थ्री हो गया, सो ऑन, ये सारे क्या है, हाइपोथेसिस है, ये सारे हाइपोथेसिस है जो इवेंट हो रहे हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी जो इवेंट ए वो इवन से हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, जो इवेंट ए है वो इवन से हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए बाई इवन, है ना, यानी जो नेक्स्ट इवेंट है वो इससे हो रहा है, यानी ई टू से पी ए बाई ई टू, एंड उसके बाद पी ए बाई ई थ्री, देखो ये सारी चीजें हमें गिवन होती है, ये सब हमारे पास ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है, ये सब क्या होता है, ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी, वी नो दैट दिस, ये सब एक्चुअली प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहलाती है, सब प्रायोरी है, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है इवन बाई ए, यानी इवेंट इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ए ऑलरेडी हो चुका है, अब आपसे उल्टा सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ए हो गया है और बताओ इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए हो गया है और इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई इसका फॉर्मूला सिंपल आप देख सकते हो, एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी पी ए इंटरसेक्शन इवन अपॉन में पी ए, यही तो हो गया, अपॉन में पी ए, और सभी केस में यही होगा, सभी केस में यही होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज, आपने डिवाइड कर दिया और यहां पे आप निकालो रिवर्स प्रोबेबिलिटी। भाई पहले क्या गिवन था, पहले गिवन था इवेंट E1, E2, E3, E4, E5, E6, सारे इवेंट गिवन थे पहले, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इवेंट ए क्या है, ठीक है, तो हमने क्या निकाला, इवेंट A1, A2 से, E1, E2, E3 से ए निकाली, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली विद रिस्पेक्ट टू इवेंट E1, ठीक है, या EI जो भी इवेंट हो रहे हैं। लेकिन अब हमसे पूछा गया कि भाई ए भी हो गया है, E1 भी हो गया है, अब बताओ कि भाई जो E1 हो रहा है इवेंट वो ए से हो रहा है, यानी कॉज क्या है, इस E1 का कॉज क्या है, ठीक है, यानी कि इस E1 प्रोबेबिलिटी होने की प्रायिकता क्या है, इस सॉरी इवेंट E1 होने की प्रायिकता क्या है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई, ठीक है। तो यही रिवर्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, और मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा क्लियर कट लिख देता हूं, ठीक है, लेट्स सी कि व्हाट ऑल दिस थिंग। सो बेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए भाई इसका कुछ फॉर्मूला भी होना चाहिए, तो उस फॉर्मूले को हम एक बार लिख लेते हैं कि है क्या इसका फॉर्मूला, ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो उस फॉर्मूले में पता चले कि भाई आप निकाल क्या रहे हो। देखो हम यहाँ पे निकाल रहे रिवर्स प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस, यानी बेस थ्योरम का मतलब क्या है भाई, कि अगर आप मान लो कोई इवेंट अगर हो रहा है, सीधा इवेंट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टली, क्या ये रिवर्स इवेंट भी पॉसिबल है, मतलब जैसे मैंने बैग का एग्जांपल दिया था, दो बैग थे, ठीक है भाई, मैंने बॉल निकाला, बॉल देखा, निकाला भाई, देखा लाल बॉल है, अब आपने पूछ लिया सर ये लाल बॉल बताओ कि आपने सेकंड बैग से निकाला तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई बैग टू बॉल आ गया, अब आपने मुझसे पूछा बॉल टू बैग,
तो जब मैं बॉल टू बैग आप मेरे से कह रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप मेरे से रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहे हो कि भाई ये जो बॉल है सेकंड बैग से बिलोंग करती है, आप सर इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो भाई इस केस में मैं इन बेस थ्योरम को अप्लाई करूंगा। तो इसका जो फॉर्मूला है यानी कि पी ई वन बाई ए, पी ई वन बाई ए, ई वन लिख लेना या आईएथ कोई भी इवेंट है, ई वन हो रहा है, ई टू हो रहा है, ई थ्री हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है भाई, तो पी ई आई बाई ए, तो क्या आ जाएगा पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई, ठीक है, और अपॉन में पी ए। पी ए आपको पता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हम निकालते थे, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ए की जो टोटल प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी। तो इसको आप ऐसे लिख लो भाई पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई अपॉन में पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू में पी ए बाई ई थ्री एंड प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यही हमारे पास क्या भाई बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जो भी बेस थ्योरम पे बेस्ड सवाल होगा। तो नोट कर लो एक बार इस फॉर्मूले को, प्लीज लिख लो कहीं पे भी, ये जो फॉर्मूला है बेस थ्योरम का है और इसे ही हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्वेश्चनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सवाल, ठीक है, तो मिटा रहा हूं। एक्सरसाइज 13.1 करने जा रहे हैं भाई। एवरीवन प्लीज एनसीईआरटी बुक अपने पास जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की किताब जरूर रखना और फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड करो, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड करो। सो अब करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 13.3 यानी कि बेस थ्योरम पे बेस सवाल, और पहला क्वेश्चन और एक एग्जांपल है सब बच्चों, यानी फर्स्ट एग्जांपल जो हम ऐसी जस्ट जहां पे बेस थ्योरम का आप स्टार्ट करते हो पूरा का पूरा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, एक मिसलिनियस में शायद, और एक क्वेश्चन आप भाई यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन जो है बेस थ्योरम पे ही बेस्ड है, ठीक है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, अभी फिलहाल आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ भाई एनसीईआरटी की बुक निकालो, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, मैं भी उसका रीड करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि है क्या, ठीक है, और प्लीज आप लोग भी जरूर रीड कीजिए। एक बैग है अर्न, यू आर एन, अर्न का मतलब होता है बैग, ठीक है, एक थैला है, ठीक है, जिसमें 5 red 5 black बॉल है, केवल एक ही थैला बोला है इन्होंने, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड, उसमें से एक बॉल निकाला जाता है, उसका कलर नोट किया जाता है, ठीक है, देन इज रिटर्न टू द अर्न, और उसके बाद वापिस अर्न में डाल दिया जाता है, वापिस रख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दो बॉल अलग से ली जाती है और इस थैले में डाल दी जाती है, ठीक है, और हमें नहीं पता भाई कौन सा कलर है, लेकिन सेम कलर की है दोनों, ठीक है, ऑफ द कलर, बस सेम कलर की, जो कलर की बॉल निकली वही कलर की बॉल उसके अंदर डाल दी, ठीक है जी। अब उसमें से एक बॉल निकाली जाती है, क्या कर रहे हैं, अब उसमें से एक बॉल निकाली जाती है, ठीक है, और बॉल निकालने पर देखा जाता है कि जो बॉल है वो रेड कलर का है, सॉरी बॉल, हाँ यस, जो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी कि जो बॉल निकाली गई है, सेकेंड बॉल जो निकाली जा रही है वो रेड कलर की, सेकेंड बॉल क्या है यहाँ पे रेड कलर की, ये हमें पूछा गया है। तो पहला सवाल प्लीज रीड, एक बैग है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और दोबारा, एक बैग है अर्न जिसमें जो रेड बॉल है भाई, रेड बॉल इसमें 5 है, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लैक बॉल है ये भी 5 दे रखा है। अब बैग में भाई हाथ डाला, ठीक है, बॉल निकाला, बॉल का कलर नोट किया, वापिस अर्न में डाल दिया, वापिस बैग में डाल दिया, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना भाई, हाथ डाला, बॉल निकाला, चाहे काली है चाहे रेड है। अब जो बॉल निकल रही है, मान लो लाल कलर की बॉल निकली, ठीक है, या मान लो ब्लैक कलर की बॉल निकल रही है, तो जिस कलर की बॉल निकल रही है उसी कलर की दो बॉल और इस बैग के अंदर डाल दी। मान लो ब्लैक रेड बॉल निकली तो कितनी होगी भाई, 7 बॉल हो जाएगी, क्योंकि रेड बॉल निकाली तो रेड बॉल ही डाली है, तो जो कलर की बॉल पहले केस में निकाली जा रही है उसी कलर की बॉल उसके अंदर डाली जा रही है। सवाल ही पूछा गया है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाली जा रही है दूसरे वाले केस में, यानी दो बॉल ऐड करने के बाद फिर एक बॉल निकाली जाती है
और उसको देखा कि भाई वो बॉल जो है वो रेड कलर की है, और बताइए कि जो बॉल निकाली गई रेड कलर की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सवाल पूरा यही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले केस में लेट कर लो कि E1 एंड E2 बी इवेंट्स ऑफ रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल, ऑफ रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल, लेट कर लो ये इसकी प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल और ब्लैक बॉल। तो इजीली निकाल सकते हो P E1 क्या हो जाएगा 5/10 और P E2 क्या हो जाएगा ये भी 5/10 हो जाएगा। काटना है तो काट देना वरना छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं ऐसे केस में, वैसे तो बेस थ्योरम में मत काटना पीटना भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर कट जाते हैं उस केस में, इसमें तो खैर नहीं होगा। तो 5 × 10 तो 1/2, 5 × 10 यानी कि 1/2 ये हमने निकाल ली। कि भाई मान लो जो बॉल निकाला है पहले केस में, जो हमने बॉल निकाला वो रेड और ब्लैक कुछ भी है, तो E1 E2 क्या है पे रेड बॉल और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब यहां पे आगे क्या बोला है, अब टू बॉल्स यहां पे ऐड कर दी, टू बॉल्स आर एडिड, दो बॉल यहां पे क्या कर दी ऐड कर दिया। अब दो बॉल मान लो यहां पे E1 जो इवेंट है रेड बॉल निकाला, रेड बॉल देखा और रेड बॉल इसके अंदर डाल दी, है ना। तो यानी कि जो बॉल ऐड की जा रही है, ठीक है, टू बॉल यहां पे ऐड की जा रही है और हमें निकालनी है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। हमें क्या निकालनी है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो देखो पी, अब जो बॉल निकाल रहे हैं दो बॉल डालने के बाद, लेट ए इज इवेंट ऑफ रेड बॉल, ए क्या है यहां पे इवेंट ऑफ रेड बॉल है, लेट कर लेते हैं ए इज द इवेंट ऑफ रेड बॉल, और हमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है। मान लो जो रेड बॉल है पहले बैक से आई है, मान लो रेड बॉल क्या पहले बैक से आई है, मतलब सॉरी जो रेड बॉल इन पांच रेड बॉल में से पहले बैक, सॉरी जो रेड बॉल है पांच रेड बॉल में से आ रही है सपोज, लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने अभी पहले दो रेड बॉल ऐड किए, सब यहाँ पे दो केस बनेंगे भाई, यहाँ पे दो केस है, पहला केस और दूसरा केस। जब हमने दो रेड बॉल ऐड कर दी तो पांच रेड बॉल में तो 7 रेड बॉल हो गई, और यहाँ पे ब्लैक बॉल कितनी हो गई 5 ही हो गई, ठीक है, यानी टोटल 12 हो गई। दूसरे वाले केस में लेट कर लो कि आप, अब हमने जो है दो ब्लैक बॉल ऐड कर दी, किसमें ब्लैक में, पांच ब्लैक में, तो 7 ब्लैक हो गई लेकिन रेड बॉल कितनी हो गई 5। इस बात को समझो, जब दो बॉल ऐड कर रहे हैं तो जब हमने दो रेड ऐड किया तो 7 रेड, टोटल 12 हो जाएगी, और जब हम दो यहां पे ब्लैक ऐड कर रहे हैं तो 7 ब्लैक और रेड 5 हो जाएगी। तो पहले वाले केस में ए इज द इवेंट, अब जो बॉल है वो रेड बॉल है, यानी बैग में दो बॉल ऐड करने के बाद फिर एक बॉल निकाली जा रही है और देखा कि उसकी वो क्या है एक रेड बॉल है। तो भाई यहां पे जो टोटल रेड बॉल हो गई जब हम दोबारा दूसरी बॉल निकाल रहे हैं वो 7 हो गई, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/12। और पी ए बाई ई टू, ए बाई ई टू यानी हम जो दोबारा जो बैग में से निकाल रहे हैं, अगर मान लो ब्लैक बॉल ऐड की है तो जब जो रेड बॉल निकाल रहे हैं हम उसकी वो कितने टोटल हमारे पास 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/12, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/12। तो एक बार और समझो दोस्तों क्या ये, देखो एक बैग में 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है, एक बैग में 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब यहां पे लेट कर लिया कि E1 E2 जो है इवेंट है कि हमने रेड बॉल या ब्लैक बॉल ड्रॉ की है, हमने क्या कह दिया E1 E2 बी द इवेंट, जो बॉल निकाल रहे हो रेड बॉल है ब्लैक बॉल है, क्योंकि उन्होंने ये तो बोला नहीं कि भाई निकाली गई बॉल रेड है या ब्लैक है, तो कोई सी भी हो सकती है, पहले केस में बॉल जो निकाली जा रही है वो कोई भी है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी 1/2 1/2। अब यहां पे दो बॉल ऐड कर दिया, सेम कलर की दो बॉल जो ऐड कर दिए, मान लो मैंने पहले केस में दो बॉल रेड ऐड कर दी, टोटल 7 हो जाएगी रेड बॉल और ब्लैक 5 ही रहेगी। और दूसरे वाले केस में लेट कर लो कि मैंने ब्लैक दो बॉल ऐड कर दी, जो दो एडिशनल बॉल ऐड कर रहे हैं उसमें दो ब्लैक ऐड कर दी, तो टोटल 7 ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे रेड कितनी 5 हो जाएगी, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, सेकंड बॉल जो निकाल रहे हैं वो रेड बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी बॉल दो बॉल ऐड करने के बाद तब उसमें से एक बॉल निकाला, अब उस बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल जो निकाली हुई बॉल है सेकंड बॉल वो रेड बॉल है। तो हमने लेट कर लिया ए इज द इवेंट, द बॉल बॉल ड्रॉन इज द रेड, तो भाई पी ए बाई इवन, जो बॉल है वो रेड है जिसमें हमने दो बॉल रेड ऐड की है, दैट इज 7/12, क्योंकि सेकंड वाले केस में टोटल 7 बॉल हो गई। और मान लो अगर हमने ए बाई ई टू कर रहे हैं, जब हमने ब्लैक बॉल ऐड की तब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/12। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी
ऑफ रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी, यानी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी पी ए आप लिख दो, सो पी ई वन इंटू में पी ए बाई ई वन, ऐसी था हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, प्लस पी ई टू इंटू में पी ए बाई ई टू, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है। चलिए सॉल्व कर लो यहाँ पे, सो पी ई वन कितना है हमारे पास 1/2, पी ई टू भी 1/2 है, तो भाई 1/2 इंटू में 7/12, 1/2 इंटू में 5/12 बाई 24 एलसीएम, 7 + 5 कितना आ गया 12/24, यानी 12 दूरी 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अब जो बॉल निकाली जा रही है ना भाई रेड कलर की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये था टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड सवाल, थोड़ा सा लिटिल बिट टफ क्वेश्चन है मैं मानता हूँ खुद ऑफकोर्स, ठीक है, कि इसके बाद तो सारे सवाल बहुत ईजी होते हैं, बस ये एक ऐसा सवाल है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा सोचना बहुत पड़ता है, इसमें एक एग्जाम्पल है और एक मिसलिनियस भी सवाल है, ट्राई करो, ठीक है, और ग्रैब करो कि इसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है भाई, जहां डिफिकल्टी ना हो तो मजा ही क्या उस सवाल का, आसान तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है, राह तो वो पकड़ो जो जिसपे कम चले हो, क्योंकि वही राह क्या होती है सबसे टफ होता है और उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, तो यानी कि जो संकरे रास्ते होते हैं ना उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गिरते हो पड़ते हो, रास्ता बनाते हो, खोदते हो गड्ढा, पता नहीं बंद कर रहे हो, रास्ते के पत्थर हटा रहे हो, झाड़ियां बंकार हटा रहे हो, तो आपको लॉट्स ऑफ थिंग्स सीखने को मिलती है, तो जितनी जितना आसान कोई चीज होता है उसमें सीखने को क्या मिलता है, इतना कुछ नहीं मिलता है भाई, आपको तो आता ही है पहले से, सीखो तो वो चीज जो आपको नहीं आती है वो जरूरी है, ये मत देखो आपने क्या अचीव किया है, ये देखो आपने क्या अचीव अब तक नहीं किया है, आप उस पर फोकस करो, ठीक है, जो आ रहा है तो आ रहा है, उसको प्रैक्टिस करते रहो भाई, साथ लेके भी चलो, छोड़ना भी नहीं है कुछ चीज, साथ भी लेके, ये नहीं कि भाई पीछे छोड़ के चले जाओ, वो भी हाथ से निकल जाए और जो आप ग्रैब करना चाहते हो, जो पकड़ना चाहते हो वो भी हाथ से निकल जाए, तो यानी सब चीजें मेंटेन करके चलना जरूरी है। चलिए अगला सवाल जो है, अब जितने भी सवाल है यहाँ पे सब बेस थ्योरम पे बेस्ड है, सारे बेस थ्योरम पे बेस्ड है और बहुत इजी है भाई, बेस थ्योरम रियली बताऊं बहुत इजी है, ठीक है, बहुत आसान होता है, इतना भी टफ नहीं होता है, मैं एक बार बेस थ्योरम का फॉर्मूला और लिख देता हूं, वैसे आपको हर क्वेश्चन के साथ ही लिखना पड़ेगा, चलो फॉर्मूला मैं क्वेश्चन के साथ ही लिख दूंगा, सेकेंड क्वेश्चन रीड करो, एनसीईआरटी 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज रीड द क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 रेड 4 ब्लैक बॉल, ध्यान से सुनना, अ बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड 6 ब्लैक बॉल, ठीक है, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड, यानी इनमें से एक बैग को सिलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फिर उसमें से बॉल को बैग से निकाला जा रहा है, ठीक है, विच इज फाउंड टू बी रेड, और वो रेड कलर की है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कि जो बॉल है पहले बैग से निकाली गई है। अब देखो सपोज हमें नहीं पता कि भाई हमने अभी तक बेस थ्योरम पढ़ी नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, हालांकि बेस थ्योरम तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोली जा रही है या सीधे प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, तो भाई ये बहुत जरूरी है, मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था, बॉल टू बैग, बैग टू बॉल, माना बिना देखे बैग में से बॉल निकाला, ठीक है, बिना देखे बैग में से बॉल निकाला, तो मतलब भाई मैंने बॉल तो देख ली, लेकिन बॉल तो मेरे पास रेड आ गई, बट रेड से अभी बॉल रेड है पहले बैग से आई है या दूसरे बैग से आई है ये मुझे नहीं पता, तो इस केस में आपको बेस थ्योरम यूज करनी है, और अगर आपने बैग देख लिया, बैग यहाँ पहला बैग है, थैले में से निकाला, पहले थे भाई लाल बोले कहां से निकाला, पहले थैले में से निकाला, तो भाई ये तो सीधा सवाल हो गया, तो बेस थ्योरम हमेशा रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो इसमें मोस्टली तीन कंडीशन दी होती है, अब मैं तीन कंडीशन बताता हूँ क्या है, दोबारा रीड करो क्वेश्चन नंबर 2, और ये मैं इसमें समझा रहा हूं, बाकी में ट्राई करना ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने की, दो बैग है, एक बैग में 4 रेड बॉल है, दूसरे बैग में 4 ब्लैक बॉल है, दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल है, सॉरी एक बैग में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल और दूसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है ना, दो बैग है, एक में 4 रेड रेड है रेड ब्लैक और दूसरे में 2 रेड 6 ब्लैक बॉल है, अब एक बॉल यहां से निकाली जाती है, एक बॉल वन ऑफ द बैग्स, वन बॉल वन ऑफ द बैग्स,
यानी किसी एक बैग में से। अब देखो सबसे पहली लाइन, वन ऑफ द बैग, भाई दो थैले पड़े हैं, पहले आप क्या करोगे, किसी एक थैले को चूज करोगे, भाई दो थैले, पहले एक थैले को चूज करोगे, राइट। तो यानी कि आपके पास तो पहले से एक इवेंट आपने आपने कर दिया, भाई बैग सेलेक्ट करने का भी तो इवेंट हो गया। अब भाई ब्लैक सेलेक्ट करने का इवेंट क्या है, आपके पास चॉइस है दोनों इक्वली लाइकली, अब किसी बैग को आप चूज कर सकते हो। अब ऐसा सोच के तो भाई मैं तो लाल वाला पीला वाला उठाऊंगा, अब ऐसा कोई चॉइस नहीं होता, सेम कलर के दोनों बैग है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप कोई भी एक बैग उठाओ, आपके पास पूरे पूरे 50-50% चांसेस है कि आप दोनों बैग को उठाओगे इक्वली लाइकली। अब उसमें से बॉल निकाल रहे हो, अब जिसमें से बॉल निकाल रहे हो और आपने बॉल देखा रेड है ब्लैक है, तो जो आप देख रहे हो रेड है ब्लैक बॉल है, यानी बॉल निकालने का एक अनादर इवेंट हो गया, बॉल निकालने का अनादर इवेंट हो गया जो आप बैग से निकाल रहे हो, ठीक है। और आपको पता है कौन से बैग में से कौन से आपने बॉल निकाली है, ठीक है। चलो पहला बैग उठाया तो पहले बैग में से बॉल निकालोगे, यानी दो बातें होगी, एक बैग सेलेक्ट करने की, दूसरा बॉल सेलेक्ट करने की। अब तीसरा स्टेप देखो, तीसरे में आपसे पूछा है सवाल, तीसरे में आपसे क्या पूछा है सवाल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल है पहले बैग से निकाली गई है, कि बॉल क्या है पहले बैग से निकाली गई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो तीसरे केस में आपसे बोल दिया कि भाई बॉल से बैग की तरफ जाओ, भाई रिवर्स हो गया ना। तो यानी कि यहां पे आप देखो तीन कंडीशन है, बैग सेलेक्ट करना, बॉल सेलेक्ट करना, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी निकालना, है ना। सॉरी तो लेट्स डू इट, इस क्वेश्चन को लिखते हैं जरा, लेट कर लो यहां पे बैग वन ये हो गया और इसे हम बोल देते हैं बैग टू। बैग वन में जो रेड बॉल है भाई चार है और ब्लैक बॉल यहाँ पे चार है, दूसरे बैग में जो रेड बॉल है दो है और ब्लैक बॉल यहाँ पे छह है, भाई टोटल यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे टोटल आठ बॉल और यहाँ पे भी टोटल कितनी हो जाएगी, आठ बॉल, दोनों में आठ आठ हो जाएगी, है ना भाई, दोनों बैग में एट एट बॉल हो जाएगी। चलिए ये हमने दोनों बैग की ऐसी संभावनाएं लिख दी, ठीक है जी। अब आगे क्या है, सबसे पहले इवेंट हो रहा है कि आप बैग को सिलेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप बैग को सिलेक्ट, E1 एंड E2 आर इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिव, सीधे लिख दो, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई स्टेटमेंट इसमें। सो यानी PE1 इक्वल टू PE2 क्या हो जाएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है भाई, भाई तुम्हारे पास पूरे 50-50% चांस है, तीन होगा तो 1/3, चार है तो 1/4 कर देना, तो 1/2 आ जाएगा। यानी इसको भी भाई दो बैग है, दोनों में कोई भी एक सिलेक्ट कर रहे हो तो पॉसिबल आउटकम कितने, टोटल दो हो गए, और आपने एक बैग सिलेक्ट कर दिया कोई भी एक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों बैग को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। अब यहाँ पे क्या है, ए इज इवेंट ऑफ, अब सवाल ये आते हैं सर ए किसको माने, सवाल ये आते हैं सर ए किसको माने, देखो ए तो वो प्रोबेबिलिटी है जो ए वो इवेंट है जो गिवन है, ए क्या है वो इवेंट है जो गिवन है। अब कौन सा इवेंट गिवन है इसमें, जरा देखो रीड करो, यानी कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज टू बी रेड, यानी बॉल जो निकाली जा रही है वो रेड है, है ना, तो जो रेड बॉल है ये गिवन है ना आपके पास, जो आपने बॉल निकाला रेड आ गया, तो भाई ए इज द इवेंट ऑफ रेड बॉल, भाई ये तो गिवन इवेंट होता है जो आपको गिवन होता है, ठीक है। यानी कि अब ये इस पे कंडीशन है भाई, ये वाला इस पे कंडीशन हो गया ना, यानी E1 E2 इज जो ए इवेंट है वो अंडर द कंडीशन E1 E2 है, भाई ए किस पे डिपेंड कर रहा है, E1 E2 पे कर रहा है, तो एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कि जो मान लो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, यानी PA/E1, इसका मतलब क्या है भाई, जो रेड बॉल है वो हमने पहले बैग से निकाला, क्या क्या हमने रेड बॉल पहले बैग से निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, गिवन दैट E1 इज हैपेंड, यानी कि बॉल जो है बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग बॉल हमने पहले बैग से निकाली है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, कितनी बॉल है पहले बैग में, चार है रेड, भाई रेड बॉल तो है यहाँ पे, लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले बैग से लाल बॉल टोटल चार है, आउटकम कितने इसमें टोटल एट है, तो 4/8 ये भी 1/2, ठीक है। अब PA/E2 इसका मतलब क्या है,
जो बॉल ड्रॉ की जा रही है वो सेकंड बैक से, जो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो सेकंड बैक से, और वो भी क्या है रेड बॉल। तो भाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/8। तो देखो मैं इसलिए कह रहा था यहाँ पे आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दो ऐसे, मत काटो इसको, ठीक है। यानी कि बच्चे काट पीट के फिर एलसीएम एलसीएम लेके गलत गलत आंसर निकालते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बता दूं क्यों नहीं काटना पड़ेगा, क्यों नहीं काट रहा हूं यहाँ पे, इसका भी रीजन बताऊंगा। सो बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैक, भाई दूसरे बैक से बॉल निकाली जा रही है। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी डेट लिख लो, प्रोबेबिलिटी डेट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैक। यही तो पूछा क्या है कि भाई पहले बैक से बॉल निकाली गई है, अब बॉल से बैक की तरफ जा रहे हो भाई, बॉल निकाला, हाँ भाई बॉल आ गई लाल कलर की, हाँ भाई लाल कलर की है, ठीक है जी। अब ये बताओ कि लाल बॉल कहां से आ रही है, कारण क्या है इसका, किस जगह से आ रही है, भाई पहले बैक से, अच्छा पहले बैक से है, तो भाई इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, E1/A, यही तो हो गया E1/A, राइट। यानी कि सिंपल सी बात है, बेस थ्योरम है P E1 into P A/E1, ऐसी हो जाएगा, सॉरी हाँ P E1 into P A/E1 अपॉन P E1 into P A/E1 प्लस PE2 into PA/E2, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, यही तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। अगर सेकंड बैग बोलता तो E2/A कर देते, अगर तीसरा बैग और होता तो E3/A हो जाता, बस यहाँ पे ऊपर वाला चेंज होगा, नीचे वाला कुछ चेंज नहीं होगा। नीचे वाले में आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ठीक है ना, PA हो गया, नीचे वाले तो PA हो गया, भाई इन दोनों को जोड़ देंगे नीचे वाले में, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में इससे E1 से ऐड कर देंगे। तो देखिए PE1 कितना है 1/2 और A/E1 4/8, यही बेस थ्योरम है भाई, 4/8, नीचे भी 1/2 into 4/8, 1/2 into कितना आ जाएगा ये 2/8, 2/8, है ना। अब देखिए मैंने क्यों बोला था कि भाई काटने की जरूरत नहीं है, ऊपर आप देखो 4/16, नीचे भी 4/16, जमा में 2/16, ऐसे हो जाएगा ना भाई, 4 1 4 2 1 2, सारे 16 जो है कट जाएंगे, तो ऊपर 4 बचा 4 जमा 2, नीचे 6 आ गया, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रखना, इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी लेंथी आ जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, काफी लंबी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, बस यही बात है और कुछ नहीं, थोड़ी इजी कैलकुलेशन रखना, ये ना हो कि आप काट पीट के बराबर कर रहे हो और आंसर भी आपको गलत आ रहा है। अगेन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आती है और 0 से कम नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं आ सकती और कभी भी 1 से ऊपर नहीं आ सकती। तो देख लीजिए भाई ये सेकंड क्वेश्चन है बेस थ्योरम पे बेस्ड, ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है उसमें माजरा। तीसरा क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन जरूर रीड कीजिए, प्लीज रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी 13.3 एक्सरसाइज, बेस थ्योरम हम कर रहे हैं, राइट। चलिए, ऑफ द स्टूडेंट, तीसरा सवाल जो है यहाँ पे बच्चों, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, इट इज नोन दैट नॉन 60% रिजाइड इन हॉस्टल, रिजाइड का मतलब रहना होता है, हॉस्टल में रहते हैं 60% बच्चे, 40% डे स्कॉलर्स है, मतलब हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बाहर कहीं भी रहते हैं, डे स्कॉलर्स हो गए, दे प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ स्टूडेंट, ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी पूरे स्टूडेंट में 30% जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल में ग्रेड ए अटेंड कर रहे हैं और 20% जो है बाहर जो रहते हैं वो ग्रेड ए अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इन एनुअल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, आखिरी के साल में एक स्टूडेंट वहां से चूज किया जाता है रैंडमली और ही हैज अ ग्रेड ए, ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर, यानी जो स्टूडेंट है हॉस्टलियर है यानी हॉस्टल में रहता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और उसको ग्रेड ए आ रहा है। देखिए अगेन मैंने बताया था तीन स्टेटमेंट दी होती है आपको इस सवाल के अंदर, ठीक है, सबसे पहला क्या है भाई, बच्चा सिलेक्ट किया गया, पहले सिलेक्शन होगा, दूसरा गिवन होगा, ठीक है, तीसरा क्या निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो पूछा होगा,
तो तीन स्टेटमेंट ऐसे है भाई, बाकी सारी चीजें गिवन है। तो लेट कर लो भाई, अब यहाँ पे दो इवेंट है, या तो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है या बच्चा हॉस्टल के बाहर रह रहा है ना। तो लेट कर लो कि इवन इवन इज द इवेंट, लेट इवन इज स्टूडेंट, स्टूडेंट रिजाइड इन हॉस्टल, या स्टूडेंट इज होस्ट लियर। स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, होस्ट लियर है, ये होस्ट लायर भी कह सकते हो आप, तो रिजाइड इन अ हॉस्टल, ठीक है। और ई टू इज द इवेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट आर डे स्कॉलर्स, कि स्टूडेंट क्या है बाहर रहते हैं, स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर्स, कि स्टूडेंट जो है बाहर रह रहे हैं। अब यहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो जब आपको परसेंटेज दिया हो ना, इन दोनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी देख लो, अगर परसेंटेज दिया हो, क्या परसेंटेज अगर दिया हो तो ये समझ लेना कि आपको प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है और आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर नंबर दे रखा हो तो भाई प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, तब प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होती है। तो परसेंटेज का मतलब प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो भाई इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं 60% है ना, यानी 60/100 कर लो सीधे, और स्टूडेंट बाहर डे स्कॉलर में रह रहे भाई, तो ये हो गया 40/100, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि यहां पे देखा गया कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको ए ग्रेड मिल रहा है, जो बच्चे हॉस्टल के बाहर रहते हैं उनको बी, उनको 20% बच्चे जो है जो बाहर रहते हैं उनको ए ग्रेड मिलता है, और जो हॉस्टल में रहते हैं 30% बच्चों को ए ग्रेड मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा सिलेक्ट किया जा रहा है, बच्चा सिलेक्ट किया गया भाई, यानी किसी भी एक हॉस्टल से, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी, भाई बच्चा सिलेक्ट किया जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि हॉस्टल से सिलेक्ट किया जा रहा है या डे स्कॉलर है बच्चा या बाहर रह रहा है, ठीक है। यानी आउटसाइड होटल इन साइड हॉस्टल है, होटल कह रहा हूँ, आउटसाइड हॉस्टल है इन साइड हॉस्टल है, ठीक है, कई बार ऐसे हो जाता है। तो भाई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है या हॉस्टल के बाहर रह रहा है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी तो ये होगी भाई, बच्चा सिलेक्ट कर लिया। अब बच्चे के ए ग्रेड आ रहे हैं, क्या आ रहा है, गिवन है कि स्टूडेंट इज इवेंट, इवेंट ऑफ ग्रेड ए, क्या है, ग्रेड ए की इवेंट है, कि स्टूडेंट का ग्रेड ए आ रहा है, ये हमने लेट कर लिया, ए इज द इवेंट ऑफ द स्टूडेंट हैज द ग्रेड ए। अब यहां पे सवाल क्या है, देखो ए इज द इवेंट ऑफ ग्रेड ए, अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट हैज द ग्रेड ए एंड रिजाइडिंग इन हॉस्टल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बच्चा हॉस्टल में रह रहा है और उसके ग्रेड ए आ रहा है, तो लेट सी यहां पे हमें कितना दे रखा है, 30% बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं उनके ग्रेड आ रहे हैं 30% बच्चों के, और ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा, पी ए बाई ई टू हो जाएगा भाई, जिनके ग्रेड क्या आ रहे हैं 20%, 20/100 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें पूछा क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी डेट स्टूडेंट हैज अ ग्रेड ए एंड इज अ होस्ट लियर, भाई उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका ग्रेड ए है और वो हॉस्टल से बिलोंग करता है, हॉस्टल में रहता है, तो भाई इवन बाई ए पूछा गया आपसे सीधा सीधा सवाल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हैविंग ग्रेड ए एंड इज अ होस्ट लियर, होस्ट लियर, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा भाई, पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, ऐसा हो जाएगा, ये बेस थ्योरम होगी हमारे पास, पुट कर दो कुछ नहीं, सारी वैल्यूज गिवन है, पी ई वन 60/100, ठीक है, पी ए बाई, भाई काटा पीटा कुछ नहीं है मैंने, देखो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, 30/100 सेम नीचे आ जाएगा, 60/100 इंटू 30/100, सारी वैल्यूज रख रही है थ्योरम के अंदर, ठीक है। यानी 18, ये क्या देखो इसको इंटू कर लो, 6 × 3 = 1800 बटे में 1800 जमा में 4 × 8 = 800 हो गया, ये दोनों जीरो भी कट जाएंगी, तो 18/2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 9/13 आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये आपका हो गया तीसरा सवाल, ओके। इसी प्रकार चौथा सवाल है भाई, सिंपल सा है, और हाँ फोर्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द
फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है भाई फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फोर, 99% चांसेस क्वेश्चन के आने के, 99% चांसेस इस क्वेश्चन के आने के क्या है यहां पे? इन एन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर वे और गैसेस। दो, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या तो बच्चे को आंसर पता है या वो गैस करता है, तुक्का लगाता है। 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। और 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस द आंसर, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है कि वो गैस करता है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गैसेस द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। हमें मान लिया हमने कि जो बच्चा एज्यूम अगर गैस करता है और उसका आंसर भी ठीक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। गैस किया, तुक्का लगाया, भाई ठीक है चलो आ गया, तो लेकिन 1/4 केवल 25% करेक्ट है। देखो बिल्कुल ऐसी होता है, मल्टीपल चॉइस सवाल जब भी होता है चार ऑप्शन होते हैं, और सपोज आपको पता है आंसर तो आप सीधे कर दोगे, यू नोज द आंसर, यू आर वेरी श्योर अबाउट योर आंसर। ठीक है भाई, ठीक है मैंने क्वेश्चन पढ़ा रहा, इसका आंसर तो ऐसे है, और ऑप्शन में भी आंसर है, टिक लगा दिया, आप तो श्योर उसको आंसर के, उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। लेकिन अगर सपोज आप गैस करते हो, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सवाल है, गैस करते हो और गैस करके आप टिक लगाते हो, इसका मतलब पता क्या होता है कि आप टिक तो लगा रहे हो भाई गैस करके, लेकिन आप केवल 25% ही ठीक हो, 70% यू आर रॉन्ग। ये क्या बोल रहे हो सर? भाई देखो सिंपल सी बात, लॉजिक है भाई, चार में से एक ही तो ऑप्शन ठीक होगा, तीन ऑप्शन तो गलत है। अगर आप तुक्का लगाते हो तो इसका मतलब है चार में से आप एक ही सही कर सकते हो ऑप्शन, और तीन में गलती कर सकते हो, और जहां गलतियां ज्यादा होती हैं वहां पे सही करने के चांसेस कम हो जाते हैं। भाई जहां पे रॉन्ग आंसर ज्यादा है तो वहां पे सही आंसर कौन सा है इसको चूज करने के जो चांसेस होते हैं वो आपके पास कम हो जाते हैं। तो कभी भी तुक्का लगाओ तो ये समझ लेना कि आपकी प्रोबेबिलिटी तुक्का लगाने की कि आप ठीक बैठोगे 1/4 होगी, 25% है, और 75% यू आर रॉन्ग, 75% आप ठीक नहीं हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रुथ का ही सवाल है ये, ठीक है, सही और गलत का सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, और यहां पे प्लीज रीड कर लो एक बार और क्वेश्चन, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो भाई E1 E2 लेट कर लेते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट E1 एंड E2 बी, या E1 लेट कर ले, E1 जो है ये इवेंट है, E1 इज द इवेंट दैट ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर, E2 बी इवेंट ही गैसेस, गैसेस द आंसर। E1 यहां पे प्रोबेबिलिटी है कि भाई उसे आंसर पता है, और यहां पे E2 जो है प्रोबेबिलिटी की वो गैस करता है, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बच्चों आपको दे रखी है, P E1 दे रखा है आपको 3/4 कि भाई आंसर पता है, और P E2 दे रखा है भाई 1/4 कि भाई गैस करता है और आंसर उसको उसे मतलब गैस करता है आंसर 1/4 है। तो तीन चार में से तीन का तो उसे पता है भाई, 75% सही है वो, और केवल 25% वो गैस करता है, तुक्का लगाता है। अब लेट कर लो भाई, अब यहाँ पे एक सवाल स्टार्ट होता है, एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। मान लो कि जो बच्चा गैस कर रहा है और उसका आंसर भी ठीक है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 है। लेट कर लो कि भाई बच्चा क्या है, गैस कर रहा है, अब तो गैस कर रहा है इसका मतलब गैस कर रहा है ना भाई, गैस कर रहा है और उसका आंसर करेक्ट है, तो मतलब अब ए क्या लेट करोगे भाई, ए लेट करोगे, ए इज द इवेंट द आंसर इज करेक्ट, ए इज द इवेंट द आंसर इज करेक्ट। भाई हमें ये नहीं पता भाई, उसे आंसर पता है ये मानते हैं, वो गैस करता है ये भी मान लिया हमने, लेकिन इन दोनों में वो सही है वो, तो भाई इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि भाई आंसर क्या है करेक्ट है, आंसर क्या है करेक्ट, उसे पता है
कि भाई अब वो गैस करता है तो आंसर करेक्ट है, ठीक है, और तुक्का मारता है आई मीन अगर उसे श्योर है तो भाई वो आंसर भी ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही नोज द आंसर, हिज आंसर इज करेक्ट, ये तो हो गया ना। प्रोबेबिलिटी ए बाई इवेंट का मतलब भाई ही नोज द आंसर, हिज आंसर इज करेक्ट, ऐसे हो गया ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई नोज द आंसर, हिज आंसर इज करेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोचो जरा, कहीं एनसीईआरटी में नहीं दे रखा इसकी, इस क्वेश्चन में ये इसी की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिडन हिडन जो यहाँ पे फैक्ट है वो ये है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है। भाई सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सच ऐसा बोलेंगे सच बिल्कुल सच है। वन, भाई शुरू में मैंने हिंट दिया था वेरी श्योर अबाउट, भाई वो श्योर है कि भाई उसका आंसर ठीक है, वो श्योर है, उसे पता है, वो कंफर्म है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, भाई 100% ठीक है वो, यानी कि वन हो जाएगा, 100% ठीक है ना वो, तो भाई वन होगी। तो भाई अगर उसको पता है कि उसका आंसर ठीक है, ठीक है, और करेक्ट भी आ रहा है आंसर, ही नोज द आंसर, जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, लेकिन उसे पता है कि आंसर सही है, अब आंसर ठीक हो गया तो क्या हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी इसकी वन हो जाएगी। अब ऐसे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब वो गैस कर रहा है, तुक्का मार रहा है, इसका हमें दे रखा है, अगर वो गैस करता है आंसर और बट आंसर भी ठीक आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। भाई देखो जरा जो थर्ड लाइन है, थर्ड और फोर्थ लाइन के आधे में देखो, उन्होंने क्या, अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, तो भाई ये तो हमारे पास हो गया कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है कि ही नोज द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकलती है यहां से, और इसका मतलब क्या है, He guesses the answer and answer is correct. Answer is correct. चलिए ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1/4 हो जाएगा। अब सवाल क्या है, What is the probability that student knows the answer? His answer is correct. भाई even by a निकालना है, student knows the answer, his answer is correct. ठीक है, यानी अब रिवर्स निकालना है कि उसे आंसर पता है, उसे आंसर पता है, ठीक है, गिवन दैट मतलब उसका आंसर सही है और वो आंसर उसको पता है, भाई उसका आंसर ठीक है और वो आंसर जानता है, ये सवाल हो गया। यानी प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट, तो भाई आपको P even by A निकालना है। He knows his answer is correct. He knows the answer. उल्टा हो गया भाई, रिवर्स कर दिया, ठीक है? यानी P even into P A by even. भाई बेस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। P even P A by even plus P E two और P A by E two. फॉर्मूला लिखने का पैटर्न देख लो भाई। बस ये लिखना सीख लो, ये सब तो ऑलमोस्ट निकल जाता है। भाई ये लिखना सीखो, फॉर्मूला लिखने का पैटर्न देखो। बस वंस यू गॉट द ऑल दीज थिंग्स, फॉर्मूला जस्ट पुट कर दो, फॉर्मूले में जस्ट पुट कर दो। तो पी इवन तो भाई 3/4 है, पी ए बाई इवन कितनी है, 1 है, अपॉन 3/4 इंटू में 1 प्लस यहां पे 1/4 इंटू में 1/4, 1/4 इंटू में 1/4, ठीक है ना, 1/4 इंटू में 1/4 हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो भाई तो क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व करोगे जो प्रोबेबिलिटी इवन बाई ए है, इवन बाई ए 3/4, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 3/4 और 1/4 इंटू 1/4 1/16। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ठीक है, जब एलसीएम लोगे या ऊपर नीचे 16 से इंटू कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वरना नीचे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 16 एलसीएम आ गया भाई, 4 चौक 16, 4 3 12 और जमा में 1, ठीक है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 3 × 4/12 + 1 कितना हो गया 13, तो भाई 12/13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12/13 आंसर आ जाएगा, 12/13 क्वेश्चन नंबर 4। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा ये लेबोरेटरी वाला एक सवाल है, ऐसे टोटल 4 सवाल है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में, एक एग्जाम्पल है, दो मिसलिनियस में है और एक यहाँ पे दे रखा है, दो ऐसा मिसलिनियस में जाते मुझे याद है, ठीक है। सो दो सवाल है, और ये भी सवाल पहले नहीं पूछते थे ये सवाल, लेकिन बीते कुछ 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ तो ये सवाल भी पूछा गया है, ठीक है। एक बार शायद केस स्टडी में भी इन्होंने ये सवाल दे दिया था, डायग्नोस वाला, केवी के पेपर में, या जो क्या कहते दिल्ली जो डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो जो लेते हैं एग्जाम सारे इतने गवर्नमेंट स्कूल बच्चों का, ये उनके में भी सेम ऐसे ही कुछ सवाल पूछा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कह सकते हो या सेंट्रल जो बोर्ड में जो होते हैं इन बच्चों के, उनमें भी ये सवाल पूछा गया है, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड वगैरह आप कह सकते हो, जो वहां पे भी ये सवाल पूछे गए हैं कई जगह। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है, 99% वो डिजीज को डिटेक्ट कर सकती है अगर डिजीज है। प्लीज रीड द क्वेश्चन 5। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड। मतलब अगर एक हेल्दी पर्सन अगर टेस्ट कराने जाता है तो भाई मशीन जो है 0.5% इनकरेक्ट रिजल्ट बताती है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव, कि भाई पर्सन को डिजीज नहीं है बट फिर भी उसको कोई ना कोई बीमारी बता देगी, ठीक है, इसकी बीमारी है 0.5% है बस, और पॉजिटिव रिजल्ट बता दिए, ठीक है। उसके बाद एक हेल्दी पर्सन है इस विद प्रोबेबिलिटी जो क्या कहते हैं, इफ अ हेल्दी पर्सन टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.005 अ टेस्ट विल इंप्लाई ही हैज द डिजीज, ठीक है। इफ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज, तो एक्चुअली हैज डिजीज 0.1% ऑफ पॉपुलेशन actually has disease, ठीक है, what is the probability that a person has the disease, person has the disease, इसकी क्या probability है कि person को बीमारी है, person को बीमारी है, और ये भी दे रखे उसका जो test result है positive है, जो test result है वो क्या है, positive है, ये हमें given है, test result is positive। तो देखिए last वाली line जो है, probability of event, मतलब जिस बीमारी है और बीमारी नहीं है, भाई दो बात होगी ना, या तो उसको बीमारी होगी या तो बीमारी नहीं होगी, अगर बीमारी है तब भी कहीं ना कहीं रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है भाई, क्योंकि इवेंट है, गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब भाई पॉजिटिव दोनों केस में आ रहा है, एक तो 99% भी है और एक क्या यहाँ पे 0.5% भी है, यानी दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो यानी अगर पर्सन को डिजीज है एक्चुअली तो भाई 99% चांस है कि वो मशीन बता देगी, लेकिन पर्सन को अगर बीमारी नहीं भी है तब भी जो रिजल्ट है पॉजिटिव आ रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5% है, यानी पर्सन को बीमारी है ना होने के बाद भी। तो है क्या सवाल, इसमें E1 E2 E3 निकालना ही बच्चों के लिए भारी पड़ जाता है कि भाई इतना भारी सवाल कैसे दे दिया। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, लास्ट वाली स्टेटमेंट उठानी है और एक बार रीड कर लो, मानता हूं भाई बेस थ्योरम में स्टेटमेंट का पाइलअप होता है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, बेस थ्योरम में बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उन स्टेटमेंट को समझकर, ठीक है, सवाल निकालना ही एक्चुअली में यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है क्या इसके अंदर, लेट कर लेते हैं भाई, जो हमें गिवन है पहले पर्सन को डिजीज है या डिजीज नहीं है, यही तो हुआ ना भाई, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पर्सन को डिजीज है और रिजल्ट पॉजिटिव है, ये तो करना है ना, लेट कर लो, लेट इवन इज प्रोबेबिलिटी पर्सन हैज डिजीज, क्या आ जाएगा, पर्सन हैज डिजीज, यानी पर्सन को डिजीज है, ठीक है, इवन इज द प्रोबेबिलिटी और E2 इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी इवेंट, E2 इज द इवेंट, पर्सन हैज नॉट डिजीज, यानी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, हैज नॉट डिजीज, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी P E1 क्या हो जाएगा, अगर पर्सन को बीमारी है, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या देखिए, पर्सन को बीमारी है तो 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, यानी 0.1%, 0.1% का मतलब 0.1/100, यानी 0.001, यानी लोगों के 0.1% लोगों को बीमारी है यानी डिजीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.001, यानी कि अब लोगों को बीमारी नहीं है, ठीक है, द पर्सन हैज नॉट डिजीज, तो इसका मतलब 1 माइनस PE1 कर दोगे भाई, यही तो करोगे,
भाई इसको घटा दोगे भाई, अगर 0.1% लोगों बीमारी है तो पॉइंट यानी कि जो 9% है उनको तो बीमारी नहीं है, तो यानी इसका क्या आ जाएगा, इसका मतलब हो गया भाई इसको घटा दो आप 1 में से, 1 माइनस 0.001, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा भाई 0.999999, यानी 0.99% लोगों को बीमारी नहीं है, ठीक है, 0.999% नहीं ऑनली 999। अब ए इज इवन, अब ये लोग टेस्ट करवाने जाते हैं भाई, ये दोनों पॉपुलेशन टेस्ट करवाती है, टेस्ट करवाने में पता चलता है कि भाई जिनको बीमारी है तो 99% तो टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, इज इवेंट इवेंट दैट टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट इज पॉजिटिव यानी इज इवेंट टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब जिनको बीमारी है एक्चुअली भाई उनका टेस्ट तो इफेक्टिव है, वो तो 99% है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि पर्सन को बीमारी है और उसका टेस्ट पॉजिटिव है पी ए बाई ई वन और इसकी प्रोबेबिलिटी है 99%, यानी 99.99 आप कह सकते हो, ठीक है, कि मतलब यार पे क्या है कि पर्सन हैज डिजीज, पर्सन हैज डिजीज एंड रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है जी, चलो मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव, ऐसी भाई पी ए बाई ई टू, पर्सन डज नॉट हैव एनी डिजीज इवन दो द टेस्ट टेस्ट मशीन जो टेस्ट यहाँ पे जो डिटेक्टिंग जो ब्लड जो लेबोरेटरी जो ब्लड टेस्ट है जो ब्लड टेस्ट है वो दिखा रहा है कि भाई 0.05% जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब भाई अगर लोगों को बीमारी नहीं भी है तब भी अगर चेक करवाने जाते हैं ब्लड टेस्ट तो 0.5% यहाँ पे एरर है और रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो यानी कि 0.005, सो पर्सन डज नॉट हैव डिजीज एंड रिजल्ट इज पॉजिटिव, ओके। चलिए अब सवाल क्या पूछा है कि पर्सन का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है और उसको एक्चुअली में बीमारी है, यही तो सवाल है, और उसको एक्चुअली में बीमारी है, ठीक है, पर्सन हैज पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है, और ही और शी हैज एक्चुअली डिजीज, भाई ये गिवन है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगेन रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, तो पी ई वन इंटू में पी ए बाई ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन, बेस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर लो भाई, ये बेस थ्योरम हो गया हमारे पास, पी ई टू पी ए बाई ई टू, ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है भाई, कैसे इंफॉर्मेशन निकलेगी, तो ई वन हमारे पास कितना है, ई वन हमारे पास है 0.001 और इंटू में जो हमारे पास ए बाई ई वन है 0.999 है, ठीक है, सेम 0.001 इंटू में 0.999 प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, E2 हमारे पास 0.999 और इंटू में 0.005, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ऊपर अगर आप देखो टोटल 5 जीरो आएगी, यहाँ भी 5 जीरो बट यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे नीचे 6 जीरो है, जब डेसिमल हटाओगे नीचे 6 जीरो आ जाएगी, तो ऊपर तो 99 आ गया, 99 बाई 1 लाख, नीचे कितना आ जाएगा 99 बाई 1 लाख, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 999 को 5 से इंटू कर दो भाई, 999 को 5 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 × 45 और 5 × 45 4 × 49, 4 × 5 = 45 और 4 × 49 यानी 4995 और अपॉन में भाई कितनी जीरो, 6 जीरो, यहाँ पे आप सॉरी हाँ 6 जीरो लिखोगे, यहाँ पे यहाँ 6 जीरो लिखोगे और यहाँ पे 5 जीरो और ऊपर भी 5 जीरो, ठीक है, 5 5 जीरो आ जाएगी, तो देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं हम, इसको 10 से इंटू कर देते हैं सभी को, अगर आप इनको 10 से इंटू कर देते हो यहाँ पर और यहाँ पर, सेम आपको जितना नीचे करोगे उतना आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से इंटू कर दिया मैंने, तो देखिए जरा यहाँ पे जब 10 से इंटू कर रहे हो तो देखो ये वाली जीरो तो कट गई, उसके बाद 5 जीरो ये है और ये वाली 5 जीरो सब कट जाएगी, यहाँ पे 1 जीरो और एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है, ये कट गई, ऊपर वाली 5 जीरो कट गई, तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 990, नीचे आ जाएगा 990,
ठीक है, और प्लस में 4995, इनको ऐड कर लो भाई, थोड़ा यहां लिख रहा हूं मैं, यानी हमारे पास जो आ गया 990, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 99 18 और 1 9 10 19 और 1 5 5985 आ रहा है, 5985 आएगा, ये यही आ रहा है ऐड करने पे। देखो 1000 जोड़ोगे तो 5995, ठीक है 5995, और उसके बाद 10 घटा दो, ठीक है 10 घटाओगे तो 5985, काट लो उसको। अगर हम देखें 5 और 9 14 नहीं जाएंगे, तो इसको हम 5 से काटते हैं पहले, 5 1 5 4, 5 9 45, 4 5 8 40, चलिए 5 1 5 5 1 5, 4 और 8 बचा, 5 9 45, ठीक है 5 9 45, 5 7 35। अब ये किस पे जाएगा भाई, अगर ऐड करें हम तो 2 और 9 11 और 7 18 हो रहे हैं, तो 9 से चला जाएगा, 9 दुनी 18 9 दुनी 18, 9 एकम 9, 2 और 9 29, 9 3 27, ठीक है फिर 2 और 7, 9 3 27, तो आंसर आपका आ जाएगा 22/133, 22/133 इसका आंसर है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये वाला सवाल है, आई नो इट इज लिटिल बिट टफ, मैं खुद मानता हूं भाई, आई एग्री कि सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज रियली वेरी टफ, ठीक है टू इंटरप्रेट, कई बार इसको मिस इंटरप्रेट बहुत करते हैं इन स्टेटमेंट्स को, लेकिन बार बार अगेन एंड अगेन पढ़ोगे तो इसमें तो थीम क्या है, इस पूरे क्वेश्चन की बेस थ्योरी जो थीम है ना बच्चों, वो यही है कि भाई तीन स्टेटमेंट है इसमें, एंड में दी होती है, ठीक है सिलेक्ट क्या किया जा रहा है, ठीक है गिवन क्या है और किसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ये समझो क्वेश्चन सॉल्व। बेस थ्योरम बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इतना टफ नहीं है, हाँ बस स्टेटमेंट निकालना थोड़ा मेहनत वाला काम है। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे 3 कॉइन है और एक कॉइन कुछ पेयर भी है और अनपेयर भी है, किसी का हिस्सा भारी है किसी का हिस्सा हल्का है, लेट्स डू इट दिस क्वेश्चन, चलिए रीड करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है काफी अच्छा कॉइन सवाल है भी, ठीक है और इंपॉर्टेंट है, यस क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, 99% चांसेस क्वेश्चन के आने के, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन इसमें जो फैक्ट्री वाला कंपनी वाला तो है ही, स्कूटर वाला ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन भाई काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपने जब भी आप सवाल कर रहे हो प्रोबेबिलिटी में, चाहे पूरे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में, कई सारी चीजें ऐसी सी आई हैं जिसे बाइसिंग, अनबायस्ड, फेयर, अनफेयर, है ना इस तरीके से आया होगा, इनका मतलब क्या है, देखो बाइसिंग का मतलब क्या हो गया, बाइसिंग का मतलब कि भाई कहीं ना कहीं पार्शियलिटी की जा रही है, भेदभाव, यार भेदभाव मतलब कोई हिस्सा भारी है कोई हिस्सा हल्का हो गया, एक कॉइन है, अब मान लो कॉइन पे आप टॉस कर रहे हो और बार बार हेड आ रहा है, एक बार भी टेल नहीं आ रहा है और टेल आ भी नहीं सकता, बहुत कम चांसेस हैं टेल आने के, ऐसा क्यों सर, क्योंकि दो जो टेल वाला हिस्सा है ना वो भारी है, आपको पता है अगर कोई भारी चीज है, ठीक है जैसे हथौड़ों को आप फेंको हैंडल से छोड़ गए ऊपर से, तो हथौड़ा हमेशा भारी, जो हथौड़ा वाला हिस्सा, जो भारी वाला हिस्सा, लोहे वाला हिस्सा, उसी के बल गिरेगा हमेशा, तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है तो उसका भारी वाला हिस्सा ही जमीन की तरफ गिरता है, ठीक है नीचे गिरता है, ठीक है तो ये जो है, इसीलिए अगर मान लो कोई भी कॉइन का एक भी फेस अगर उसको भारी कर दिया जाए, ठीक है तो वो हमेशा उसी तरफ वाले हिस्से पे ही गिरेगा, तो जैसे मान लो टेल को लोहे से बना दिया, ठीक है और उससे ऊपर वाला जो ऊपर वाला फेस है उसको बना दिया किस सिल्वर से, तो सिल्वर तो हल्का हो गया, लोहा भारी हो गया, तो हमेशा टेल वाला हिस्सा जमीन की तरफ पड़े रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा हेड होगा, तो इसे हम बोलते हैं अनबायसिंग, इसे हम बायस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है, ऐसे एक अनफेयर होता है, अनफेयर का मतलब क्या हो गया भाई, ठीक ठाक नहीं है, अच्छा नहीं है, कहीं से मोटा कहीं से पतला है, आड़ा टेढ़ा कुछ भी हो सकता है, तो अनफेयर नहीं हुआ वो, तो भाई यही 2-3 वर्ड होते हैं जो थोड़ा समझना, ठीक है अनबायस का मतलब ठीक ठाक है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है, और फेयर का मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके का एक भेदभाव वाला सवाल है, वन ऑफ
यहाँ पे तीन कॉइन है, देर आर थ्री कॉइन्स. क्वेश्चन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 निकालो, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो. थ्री, देर आर थ्री कॉइन्स, देर आर थ्री कॉइन्स, तीन कॉइन है ठीक है. वन इज टू हेडेड हैविंग हेड ऑन बोथ फेस, एक कॉइन है जिसपे दो हेडेड है ठीक है, दो हेडेड है जिसपे दोनों तरफ हेड है, यानी वो जय वीरू वाला देखा था हा? वो शोले मूवी में जय शायद वो करता था कॉइन टॉस करता था, हमेशा हेड आता था, वो टू हेडेड कॉइन था ठीक है, जय वीरू वाला कॉइन है ठीक है. अनादर इज बाइस्ड कॉइन, दूसरा बाइसिंग है, मतलब यहाँ पे 75% हेड आएगा और बाकी जो बचा 25% टेल आएगा ठीक है. तीसरा कॉइन अनबायस्ड है, मतलब तीसरा कॉइन बिल्कुल ठीक है, अच्छा कॉइन है ठीक है. अब यहां से एक कॉइन सिलेक्ट किया जाता है, वन ऑफ द थ्री कॉइन इज सिलेक्टेड चूजन एट रैंडम एंड टोस्ट, उसके बाद उछाल दिया, देन इट शोज हेड, हेड आ रहा है ठीक है भाई. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि टू हेडेड कॉइन है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में तीन कॉइन है, क्वेश्चन नंबर 6 में थ्री कॉइन्स है ठीक है, थ्री कॉइन्स है. पहला कॉइन यहां पे टू हेडेड है, पहला कॉइन क्या यहां पे टू हेडेड कॉइन है, दोनों पे हेड है ठीक है. दूसरा कॉइन यहां पे, दूसरा कॉइन जो यहां पे वो है क्या कहते हैं अनबाइस्ड, बाइस्ड कॉइन है यहां पे, दूसरा कॉइन बाइस्ड कॉइन है ठीक है, बाइस्ड कॉइन है, यानी इसमें 75% हेड आएगा ओके. और जो तीसरा कॉइन है भाई, तीसरा जो कॉइन है यहां पे वो है अनबाइस्ड, अनबाइस्ड कॉइन है, यानी कि बराबर बराबर वो आ जाएगा. अब इन तीनों में से एक कॉइन चूज किया जाता है, इन तीनों में से एक कॉइन चूज किया जाता है ठीक है. अब देखो टू हेडेड कॉइन है, चाहे कैसे भी टॉस कर लो हेड हेड ही आएगा है ना, कैसे भी टॉस कर लो हेड हेड ही आएगा. चलो बाइस्ड कॉइन है भाई, 75% हेड है तो 25% टेल आ जाएगा, वैसे इसकी जरूरत में पड़ेगी नहीं. अनबाइसिंग कॉइन है तो भाई क्या होगा, यानी हेड और टेल आ जाएगा राइट. तो ये कुछ सैंपल स्पेस मैंने इस तरीके से लिख दिया है. तो अब इनमें से एक कॉइन चूज किया जा रहा है, दो कॉइन चूज किया जा रहा है सिलेक्ट करना. मैंने क्या बताया था, बेस थ्योरम में, बेस थ्योरम में जनरली तीन स्टेप होते हैं, सिलेक्टिंग, गिवन और क्या निकालना है, मतलब रिवर्स कहां से, कॉजेस क्या है उसका, किस बैक से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है ठीक है, उसका कारण क्या है, ये तीन बातें यहां पे आपको निकालनी है. तीन स्टेटमेंट होती है इसके अंदर मेनली, सिलेक्टिंग ठीक है, देन गिवन क्या है और उसके बाद क्या फाइंड करना है. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप समझ, आप आराम से कोई भी सवाल हो चाहे ठीक है, अगर कहीं भी वो बेस थ्योरम है कितना भी घुमा के दे रखा हो आप आइडेंटिफाई कर लोगे सर ये तो बेस थ्योरम का ही सवाल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई. तो यानी तीन कॉइन है, तीनों में से एक कॉइन चूज किया भाई, मैं तो कोई सा भी उठा सकता हूं, आई हैव द इक्वल राइट है ना, मेरे पास बराबर राइट चॉइस है मेरे पास, तो मैं कोई सा भी उठा सकता हूं. तो लेट कर लेते हैं भाई, लेट E1, E2, E3 बी इवेंट्स ऑफ चूजिंग कॉइन टू हेडेड, भाई दो हेडेड कॉइन है इसको चूज कर लिया ठीक है, एंड बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड कॉइन ठीक है, और उसके बाद अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन रेस्पेक्टिवली. तो मैंने लेट कर लिया भाई, E1 इज द इवेंट, मैंने कॉइन चूज किया टू हेडेड का, E2 इज द इवेंट, मैंने कॉइन चूज किया बाइस का, और E3 इज द इवेंट, मैंने कॉइन सिलेक्ट किया अनबाइस्ड कॉइन को ठीक है. अब यहां पे जो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू PE3 क्या हो जाएगा भाई, 1/3 हो जाएगा ठीक है. चलिए आगे हमें क्या बोला है, आगे क्या गिवन है, देखो ये तो हो गया सिलेक्ट करने वाला, ये तो मैंने सिलेक्ट कर लिया भाई, कोई भी एक कॉइन चूज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, हर एक कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/3 है चूज करने की. अब यहां से कॉइन चूज किया गया और टॉस कर दिया और देखा भाई हेड आ रहा है, देखा भाई हेड आ रहा है, तो मतलब गिवन क्या है, हेड ए इज इवेंट ऑफ हेड, यानी हेड आ रहा है ये बोला इन्होंने. तो भाई पी, अब पी ए बाई E1, अब ये जो हेड है भाई ए इज द इवेंट ऑफ हेड, अभी जो हेड है
ये पहले कॉइन द्वारा शो किया जा रहा है। तो पी ए बाई ई वन क्या हो जाएगा, 2/2 यानी 1 भाई, दोनों हेड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो यानी कि कॉइन इज टू हेडेड, ठीक है भाई। और पी ए बाई ई टू ये क्या है हमारे पास, सेकंड वाला बाइस्ड कॉइन है, 75% हेड आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है 75/200 यानी 3/4, यानी कि कॉइन हैज 75% हेड। ये तो होगा ना, 75% हेड आएगा यहाँ पे। और तीसरा कॉइन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो भाई तीसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी तीसरा कॉइन यानी अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन शो हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। सवाल क्या है, अब आगे देखो लास्ट वाला पार्ट, दो पार्ट हो गए ना भाई, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसके बाद गिवन है हमारे पास कि भाई कॉइन हेड शो करेगा टॉस करने के बाद। अब भाई हेड शो करेगा, पहला कॉइन चूज करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, दोनों पे हेड है। दूसरा कॉइन चूज करता हूं तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी, और तीसरा कॉइन चूज करता हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। सवाल यह है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक टू हेडेड कॉइन है, मतलब इस पे टू हेड है, हमने जो कॉइन चूज किया वो टू हेड का था, और उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने जो कॉइन चूज किया है एक वो टू हेडेड कॉइन है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ ली भाई कि अगर हेड आ रहा है, तो जो हेड आ रहा है पहला कॉइन शो कर रहा है, हमें ये बताना है, तो भाई क्या करेंगे, पी ई वन बाई ए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट हेड, हेड, हेड इज दैट ऑफ दैट टू हेडेड कॉइन, दैट टू हेडेड कॉइन, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टू हेडेड कॉइन, ठीक है। तो पी इवन बाई ए निकालना है भाई, सो पी इवन इंटू पी ए बाई इवन हो जाएगा अपॉन पी इवन इंटू में पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू में पी ए बाई ई टू हो जाएगा, और प्लस में पी ई थ्री इंटू में पी ए बाई ई थ्री हो जाएगा। भाई ये फॉर्मूला लिख दिया, सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यूज क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। अगर आप सारी वैल्यूज पुट करते हो, पी ई वन कितना है भाई, ई वन ई टू ई थ्री 1/3 है, बाकी 1/3, 4 है, 2 है, हाफ है, सारी वैल्यू पुट कर दो, तो यानी कि यानी कि 1/3 इंटू में 1, टू हेडेड कॉइन तो 1 आ जाएगा, 1/3 इंटू में 1 प्लस पी ई टू, ई टू में 1/3 और पी ए बाई ई टू 3/4, तो 1/3 इंटू में 3/4 प्लस 1/3 इंटू में लास्ट वाले क्या 1/2 है। अब इसमें कोई भी तो बराबर है नहीं भाई, तो काटना तो 1/3 कट जाएगा सब में, है ना, ये 1/3 सारे कट जाएंगे, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे क्या बचा भाई, 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया भाई, यानी 4 जमा में 3 जमा में 2, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 4 × 3 = 7 = 9, 4/9 इसका आंसर है। तो भाई टू हेडेड कॉइन है, ठीक है, और रिवर्स प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार देख लो सारे क्वेश्चन ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इंश्योरेंस वाला है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, बट चांसेस भाई इस क्वेश्चन के मैंने बताए जो अभी मैं करा रहा हूं। हाँ दो, कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी का डिट्टो उठा के नहीं देते, लेकिन एनसीईआरटी जैसे सवाल हो जाते, जैसे ये वाला है, अब इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये 75% टेल शो कर रहा है, हेड शो कर रहा है, या टेल भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं सवाल, कि टेल भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई टेल शो करेगा हेड या फिर कुछ और शो करेगा। याद रखना इवेंट जो है ना, जैसे मान लो पहला वाला इवेंट है जिसमें हमने टू हेडेड कॉइन था, उसमें टेल तो आ ही नहीं सकता, उस केस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 0 हो जाएगी, उस केस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तब इस केस में थोड़ा ध्यान रखना कि हमने जो भी इवेंट कंसिडर किए हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का, उसमें हर जो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है
उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा नॉन जीरो है, यानी पी ई वन ई टू ई थ्री ये सारे नॉन जीरो इवेंट्स हैं, ठीक है। और ई वन ई टू ई थ्री एक्चुअली में नॉन जीरो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, बैक को सिलेक्ट कर रहे हो या किसी इवेंट को सिलेक्ट कर रहे हो, कॉइन को सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है भाई। कॉइन सिलेक्ट किया वो ई वन ई टू ई थ्री हो गया, ये ध्यान रखना। बैक सिलेक्ट कर रहे हो वो ई वन ई टू इवेंट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, ओके। तो इस बात को ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी आप ई वन ई टू ई थ्री आप क्या कह रहे हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। एन इंश्योरेंस कंपनी, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी है और वो करीब 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर को इंश्योर करती है, मतलब एलआईसी वगैरह जैसे, ओ सॉरी क्या कहते हैं जो इंश्योरिंग इंश्योरेंस देते हैं ना भाई, तुम्हारे तुमने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है या नहीं, ठीक है, वो एक इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो भाई एक्सीडेंट हो गया तो आपको इतना मुआवजा मिल जाएगा। तो उसी तरीके से ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर, भाई देखो स्कूटर चला रहा है तो उसके एक्सीडेंट 0.01% है, 0.01 सॉरी 0.03 है कार ड्राइवर की, और जो ट्रक ड्राइवर है उनकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई एक्सीडेंट हो जाएगा 0.15 रेस्पेक्टिवली, यानी कि भाई एक इंश्योर पर्सन यहाँ पे उठाया जाता है, मतलब एक तरह से एक इंश्योर्ड पर्सन के साथ एक्सीडेंट हो गया, दुखद घटना हो गई, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्सीडेंट है वो स्कूटर ड्राइवर के साथ हुआ है, जो एक्सीडेंट है स्कूटर ड्राइवर के साथ हुआ है, तो देखिए भाई पहले तो यहाँ देखो कि नंबर ऑफ क्या है, तो यहाँ पे जो स्कूटर्स है यानी कि इंश्योर्ड पर्सन जो है यहाँ पे स्कूटर ड्राइवर है चाहे वो, ठीक है, कार ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर है, तीन हो गए यहाँ पे, राइट, ये तीन हो गए। स्कूटर ड्राइवर जो हो गया यहाँ पे ड्राइवर, ऐसे कार ड्राइवर, ठीक है, और ट्रक ड्राइवर। तो यहाँ पे जो इंश्योर्ड पर्सन है सारे इनके जो नंबर्स है भाई, 2000 तो यहाँ पे स्कूटर ड्राइवर है, 4000 यहाँ पे कार ड्राइवर है, और उसके बाद 6000 यहाँ पे ट्रक ड्राइवर है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 2, 4, 6, 6, 12000। देखिए अब ऐसे सवालों में आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, आपको निकालनी पड़ेगी। तो भाई E1, E2, E3 क्या है, पहले सिलेक्ट कर रहे हैं भाई, किसी एक कोई एक का एक जो यहाँ पे ड्राइवर है उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ऐसा हो ना, बट मैं क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसा किसी के साथ भी ना हो भाई, ठीक है, कोई भी ड्राइवर है एक, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब भाई किसी का भी हो सकता है। तो देखो अब स्कूटर ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट हो रहा है, अगर स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो रहा है तो भाई 2000 में से किसी का भी हो सकता है ना, 2000 टोटल फेवरेबल आउटकम हो गया, कितने में से 12000 में से, तो यानी लेट कर लो भाई, लेट E1 E2 E3 बी इवेंट्स that the accident are met with scooter driver, a car driver or truck driver, हमने let कर लिया respectively कि भाई E1 E2 E3 event है कि accident जो है scooter driver, car और truck driver के साथ हो रहा है, ठीक है, E1 यहाँ पे स्कूटर ड्राइवर के लिए हो गया, E2 यहाँ पे कार ड्राइवर के लिए और E3 यहाँ पे ट्रक ड्राइवर के लिए हो गया, ऐसे लेट कर लेना भाई, स्टेटमेंट है सिंपल सी। तो देखिए PE1 क्या हो जाएगा, 2000/12000, यानी कि एक्सीडेंट जो है स्कूटर ड्राइवर के साथ हो रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी करीब आ जाएगी 2000/12000, यानी कि 1/6। अब जो एक्सीडेंट है वो किसके साथ हो रहा है, सपोज कार ड्राइवर के साथ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4000 अपॉन में कितना 12000। आप एक काम करो, इसको ना 2/12 रख दो, बस 0-0 काट दो यहाँ पे, 2/12 इसको 4/12 रख दो, देखो बहुत आसान हो जाएगी इससे कैलकुलेशन। PE3 क्या हो जाएगा भाई, ऐसे ही 6000/12000, यानी कि 6/12। चलिए ये हमारे पास आ गया E1 E2 E3 एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि भाई एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर,
कार ड्राइवर ट्रक ड्राइवर के साथ हो रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पे किसी एक के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, किसके साथ बोला इन्होंने, किसी एक के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो अब यहां पे मान लो स्कूटर ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, तो ए इज द इवेंट ऑफ, ए इज द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, ए क्या यहां पे एक्सीडेंट होने की इवेंट है। अब यहां पे जो एक्सीडेंट है किसके साथ हो रहा है, मान लो स्कूटर ड्राइवर के साथ हो रहा है। अब इन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई, इन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.01, ठीक है, पी ए बाई ई टू दे रखी है यहाँ पे। अगर मान लो कार ड्राइवर है तो 0.03 भाई क्वेश्चन के अंदर ही है, और पी ए बाई ई थ्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.15, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया कि भाई अब बताइए कि मान लो ये कार ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर है, ये कार ड्राइवर है और ये ट्रक ड्राइवर है, आपको प्रोबेबिलिटी दे दी यहाँ पे, ये नंबर दे दिए। अब आपसे बोल दिया कि बताइए कि अगर यहां पे स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहां पे हमें दे रखे स्कूटर ड्राइवर, तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो एक्सीडेंट हो रहा है वो स्कूटर ड्राइवर की है। भाई हमें पता चल गया एक्सीडेंट हो गया, और हमें पता और हमें अब बताना, हमें ये नहीं पता कि भाई ये कार ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर कौन है, हमें नहीं पता इसके बारे में, और आपको पता चला कि भाई एक्सीडेंट हुआ है बस, लेकिन जो इंश्योर्ड कंपनी है उन्होंने तीन लोगों तीन कैटेगरी को इंश्योर किया था भाई, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर को, ठीक है। अब भाई हम तो क्या सोचेंगे, अब आपसे आप अनुमान लगाओ, आपसे बोला जाए अनुमान लगाइए कि एक्सीडेंट कार ड्राइवर के साथ हो रहा है, तो आपसे बोला जा रही एक्सीडेंट से एक्सीडेंट टू कार ड्राइवर की आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो यानी कि आप यहाँ पे बेस थ्योरम यूज कर रहे हो भाई, यानी पीई वन बाई ए निकालोगे, ठीक है। तो एक्सीडेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी द एक्सीडेंट, द प्रोबेबिलिटी ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, ऐसे लिख लो, इज अ स्कूटर ड्राइवर, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन, बट्टे में क्या आ जाएगा, पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन, बेस थ्योरम लिखेंगे भाई पूरी की पूरी, भाई पूरा फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं, पुट करने के मार्क्स मिलते हैं और सॉल्व करने के मार्क्स मिलते हैं, आपको तीन तरह के मार्क्स मिलते हैं, और चौथे में लास्ट में आपका फाइनल आंसर आपका ठीक आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है, उसके मार्क्स कटते हैं मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो सारी, हमें तो पता चल गई भाई, इवन क्या है यहाँ पे 2/12 है, इवन इज 2/12, पी इवन, पी ए बाई इवन 0.01, सेम नीचे आ जाएगा 2/12 इंटू 0.01, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है 4/12, है ना, 4/12 इंटू 0.03 और 6/12 इंटू 0.15। देखिए सारे 12 कट जाएंगे ऊपर नीचे वाले, सारे कटेंगे भाई ऊपर नीचे वाले, सारे 12 कट गए, आपको सबको काटना आता होगा, 12 कॉमन आ जाएगा, कट गया, ऐसे भी आप सोच सकते हो, और डेसिमल में सारे डेसिमल हट जाएंगे, ऊपर भी डेसिमल के बाद दो डिजिट, नीचे भी डेसिमल के बाद दो डिजिट, सारे डेसिमल हट जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, 2 1 2, नीचे केवल आ जाएगा 2 1 2 प्लस, 4 3 12 प्लस, और 6 15 90, तो आंसर आ गया 2/, ऐड करोगे तो 104 आ जाएगा, ये है ना 104 आ जाएगा, काटोगे तो 1/52, तो भाई आंसर इसका हो गया 1/52, क्या आंसर आ गया 1/52, 1/52 इसका आंसर आएगा। सो दिस इज द 7th क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स डू इट द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बार देख लो कैसे क्या करा है, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है, बाकी तो फॉर्मूला बहुत इजी है, बस आपको इंफॉर्मेशन लिखनी बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा ही सवाल है, ऑलमोस्ट ऐसा ही सवाल है, एक फैक्ट्री में दो तरह की मशीन है ए और बी, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 60%, ठीक है, ऑफ आइटम्स, फर्दर 2% आइटम जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मशीन ए के द्वारा
और मशीन बी के द्वारा 1% डिफेक्टिव है। भाई मशीन ए 2% डिफेक्टिव आइटम बना रहा है और मशीन बी 1% डिफेक्टिव आइटम बना रहा है। ऑल आइटम्स आर पुट इन वन स्टॉक पाइल, सारे आइटम को एक स्टॉक पाइल में भर दिया, ठीक है, और उसके बाद एक आइटम चूज किया जा रहा है, एक निकाला जा रहा है, उसके अंदर से सिलेक्ट किया जा रहा है और देखा कि ये तो भाई डिफेक्टिव आइटम है, डिफेक्टिव आइटम है भाई देखा। अब हमें नहीं पता मशीन ए से मशीन बी से भाई दोनों ही डिफेक्टिव आइटम बना रही है। फिर पूछा कि भाई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो डिफेक्टिव आइटम है वो मशीन बी से आ रही है। तो भाई देखिए दो तरह की मशीन है, टू मशीन है यहां पे, ठीक है, मशीन ए मशीन बी, राइट। अब मशीन ए जो है 60% मशीन ए बना रही है। भाई जो आइटम्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, आइटम्स जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं या प्रोड्यूस्ड किए जा रहे हैं यहाँ पे आइटम प्रोड्यूस, भाई 60% मशीन ए बना रही है, 40% मशीन बी बना रही है। और डिफेक्टिव आइटम कितने यहाँ पे भाई, 2% मशीन ए बना रही है और 1% मशीन बी बना रही है, ठीक है, ये डिफेक्टिव आइटम होंगे। तो देखिए इनमें से अब इन सबको एक साथ रख दिया, सारे जो भी यहाँ पे आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ढेर के अंदर, एक पाइलअप के अंदर कर दिया भाई, इसमें सारा भर दिया, ठीक है, सारे आइटम इसके अंदर डाल दिए इस तरीके से, ठीक है, सारे आइटम डाल दिए। और फिर एक आइटम यहाँ से निकाला जा रहा है, एक आइटम जब निकाल रहे इसमें से तो देखा कि भाई वो आइटम डिफेक्टिव है और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि जो आइटम है वो बी मशीन द्वारा बनाया गया है। तो लेट कर लो भाई ईवन एंड ई टू आर इवेंट्स, जब सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, हम आइटम्स को कर रहे हैं, मशीनों को नहीं कर रहे, मशीन से आया ये हमें बताना है, सिलेक्ट हम आइटम्स को कर रहे हैं, याद रखना। तो यानी E1 E2 आर द इवेंट्स दैट आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड मशीन बी, आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड मशीन बी, आप ऐसे कह सकते हो। सो पी E1 क्या हो जाएगा भाई, 60% है, 60/100 6/10 लिख दो, ठीक है। पी E2 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 40% 40/100 परसेंट हटाते हैं तो 100 आ जाते नीचे, ठीक है, तो 4/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे A is the event द आइटम इज डिफेक्टिव, ये तो बोला भाई आइटम तो डिफेक्टिव है, A is the event आइटम इज डिफेक्टिव। अभी जो डिफेक्टिव आइटम है किससे बिलोंग कर रहा है भाई, पहली मशीन से बिलोंग कर रहा है, तो डिफेक्टिव आइटम बिलोंग टू मशीन वन, यानी क्या आ जाएगा ये, इसकी 2% दे रखी है प्रोबेबिलिटी 2/100, ठीक है। और डिफेक्टिव आइटम मशीन बी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1%, यानी 1/100। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कि द डिफेक्टिव आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मशीन बी प्रोड्यूस कर दी है। अब देखिए यहां पे आपको E1 by A नहीं E2 by A निकालना है, तो भाई मशीन बी है तो E2 by A लिखोगे। अभी पहला सवाल है जहां पे E2 हम यूज कर रहे हैं, तो PE2 into PA by E2 यानी बेस थ्योरम लगा दोगे भाई, यानी PE1 into PA by E1, ओके, और प्लस PE2 into में PA by E2, इस तरीके से आप बेस थ्योरम अप्लाई कर दोगे, पुट कर दो सारी वैल्यूज जो जो हमारे पास है भाई, 6/10 2/100 4/10 1/100, तो नीचे वाला पहले आ जाएगा 4/10 इंटू में 1/100, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा भाई 6/10 इंटू में 6/10 इंटू में 2/100, सारी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, और ये 4/10 इंटू में 1/100, देखो सारे 1000 तो कट जाएंगे ऊपर नीचे वाले, नीचे ऊपर 4 बचा, नीचे 12 और जमा में 4, यानी 12 जमा 4 यानी कि 4/16 यानी कि 1/4 आंसर आएगा, ठीक है 1/4 आंसर आएगा। देख लो एक बार सवाल को और बढ़ते आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चन भी हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें क्या है भाई, प्लीज रीड द क्वेश्चन, बार बार एक बात बोलता हूं, क्वेश्चन जरूर पढ़ो, ठीक है, ये आपके फायदे के लिए, आप जितना पढ़ोगे क्वेश्चन को रीड करोगे आपको समझ में आएगा कि भाई क्या करना है, और अगर आप बस सुन के चले जाओगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला,
तो प्लीज क्वेश्चन जरूर रीड करो, अपने साथ एनसीईआरटी की बुक रखो। दो, पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी खत्म करनी है, दूसरी प्रायोरिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म करनी है, और तीसरी प्रायोरिटी आरडी शर्मा वगैरह ये सब अगर कर रहे हो तो वो भी करो, आर एस अग्रवाल करो तो वो भी करो, और भी अदर बुक है आपके पास, अरिहंत है या फिर और भी अदर बुक्स है, रेफरेंसेस है, एमएल खन्ना वगैरह कुछ भी अगर आपके पास, तो करो उसे, बस प्रैक्टिस, मैथ सीखते रहो करते रहो। तो 70-80% आप पढ़ते हो पूरे 11th-12th क्लास में, ठीक है, लेकिन जो बाकी बचा 30% और उसके बियॉन्ड जो है, जब आप आईआईटी जेई की तैयारी करोगे और या फिर आप सीए की तैयारी कर रहे हो, सीए की बहुत सारे लोग तैयारी करने जा रहे होंगे, ठीक है, तो उनमें भी तो आती है भाई प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, ठीक है, और इवन दो आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उनमें भी प्रोबेबिलिटी बहुत पूछी जाती है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, टू ग्रुप्स है यहाँ पे, क्या है, टू ग्रुप्स है, आर कंपीटिंग फॉर पोजिशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भाई दो ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी डेट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6.4, यानी इवन ई टू इवेंट हमें 0.6.4 के साथ दे रखी है। उसके बाद दोबारा फर्दर, इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, पहला ग्रुप जीतेगा तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1.7 है, और सेम यहाँ पे सेकेंड ग्रुप जीतता है तो भाई 0.3 है। तो इफ द सेकेंड ग्रुप विंस, what is the probability new product introduced by the second group, by second group ne product ko introduce kiya iski kya probability hai, to bhai let's see question ko aap utar lete page pe aur main board pe, bhai two groups hai, two groups hai, inhone group a b kuch to bola nahi hai, two groups hai, theek hai, let e1 and e2 be Event of winning by group A, by group first and second respectively. Let कर लो कि भाई group वन और टू की जीतने की जो probability है, जो event है E1 E2 है, ठीक है, event E1 E2 क्या है पे, जीतने की event है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने गिवन है PE1 और PE2, और इनकी जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है भाई वो हमें दे रखा है 0.6 और 0.4, ठीक है। चलिए ऐसे यहां पे A इज इवेंट, द इन्होंने क्या दिया है, द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी न्यू प्रोडक्ट is introduced, ऐसे बोला इन्होंने, new product is introduced, ठीक है, A is the event, जो new product है उसको introduce किया है। अब भाई ये E1 introduce कर रहा है, इसकी probability क्या हो जाएगी, A by E1, है ना, और E2 अगर introduce करेगा तो इसकी probability E2 हो जाएगी, A by E2, और ये भी value given है बच्चों, 0.7, 0.3, please read the question, 0.7, 0.3, ठीक है, 0.7, 0.3 है रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो नया प्रोडक्ट है वो सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा, सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इज introduced by second group introduce कर रहा है, तो भाई PE2 by A निकालना है, बेस थ्योरम का सवाल है, सिंपल सा है, साफ साफ पता चल रहा है, PE2 into PA by E2 बट्टे में PE1 into PA by E1 plus PE2 into में PA by E2, सारी वैल्यू पुट कर दो यहां पे भाई, सारी वैल्यू पुट कर दो, PE2 कितना है हमारे पास, PE2 0.4, PA by E1 कितना है हमारे पास, सॉरी PE2, हाँ PA by E2 हमारे पास 0.3, या 0.3, 0.6 into 0.7 है ना, और प्लस में 0.4 into 0.3,
सॉल्व कर लो सबको, चार तिया 12, सारे डेसिमल हट जाएंगे ऊपर नीचे सब इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो सारे डेसिमल हट जाएंगे भाई, 12/42 जमा में 4 तिया 12 है ना, गुणा कर लोगे भाई 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 54, तो ये कट जाएगा कुछ 3 से तो नहीं जाने वाला भाई, 2 छिक 12 और 27 पे कट गया, 3 से चला गया सॉरी, हाँ 3 दूनी 6 और 3 निम 27, यानी 2/9 इसका आंसर आएगा, क्या आएगा 2/9। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। ओके क्वेश्चन जरूर रीड करो, बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट है, मैं सारी स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिख सकता, बोर्ड पे लिखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा और काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ऐसे गंदा भी लगेगा, ठीक है, इतना आधा बोर्ड भर जाएगा फिर आदमी क्या करूंगा, तो इसलिए प्लीज एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखियो और रीड करा करो, लिखना शुरू करो, ठीक है, लिखो कॉपी के अंदर, बिना पेन पेपर के मैथ्स नहीं होती है। अगर दो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैथ्स को कैसे करें, समझ ही नहीं आती है, भाई समझ तब आएगी ना, समझ तो तब आएगी जब पेन कॉपी लेके उसको सॉल्व कर रहे हो। मैथ्स को समझने का सबसे आसान तरीका पेन कॉपी लेके बस करना शुरू करो, ठीक है भाई, राइट फॉर्मूला राइट जगह पुट करो, ये बड़ी सर आप पैराडॉक्स वाली बातें करते हो हमेशा, ठीक है, ये पैराडॉक्स बोल दे भाई राइट जगह राइट चीज पुट कर दो, भाई पता भी तो होना चाहिए कि भाई क्या राइट है और क्या नहीं है, भाई इसके लिए आपको नंबर ऑफ सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट एक ही होता है उस पर फोकस करो, आप जो भी पर्टिकुलर टॉपिक से पढ़ रहे हो पहले उस पर फोकस करो भाई, हाँ ये कॉन्सेप्ट है और ये अप्लाई करना है, जैसे बेस थ्योरम है, अब भाई सारे सवाल बेस थ्योरम के, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, हाँ ये चीजें हैं सिलेक्ट करना है, गिवन है और ये निकालना है, उल्टा निकालना है, रिवर्स निकालना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और जीवन का मजा तभी है ना जब उसमें बहुत सारी परेशानियां हो कठिनाइयां हो, वरना जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा भाई, आसान चीज तो हर कोई कर लेता है लेकिन परेशानी तो तब आती है जब कंकड़ पत्थर रोड़े कांटे, ठीक है, संकरे रास्ते, खाइयों से होते हुए निकल रहे हो आप, रास्ते में नदी आ गई बहुत चौड़ी सी, उसको पार करना है, तब मंजिल हमारे हमारे सामने होगी, ठीक है, तो यानी कि इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर वो आसान हो गया तो मंजिल ही क्या, ठीक है, वो मंजिल नहीं है फिर तो आपका घर है वो, बस वहीं बैठे रहो सोते रहो अपने रजाई के अंदर घुस के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सवाल क्या है भाई बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। एक लड़की है यानी अ गर्ल थ्रोस अ डाइस, अ गर्ल थ्रोस अ डाइस इफ शी गेट्स 5 और 6, क्या बोला है, अगर वो 5 और 6 प्राप्त करती है, she tosses a coin 3 times, 3 बार coin toss कर रही है, and notes the number of head, और वो number of head note करती है, if she get 1, 2, 3, 4, अगर 1, 2, 3, 4 प्राप्त करती है, तो दोबारा एक coin toss करती है, दोबारा एक coin toss करती है, वो भी 1 बार करती है, and notes whether head or tail is obtained, head आ रहा है, tail आ रहा है, ये obtained हो रहा है, वो note कर लेती है, ठीक है भैया अच्छी बात है, if she obtained exactly 1 head, अगर उसको एग्जैक्टली 1 head मिलता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो 1, 2, 3, 4 डाई, कि वो 1, 2, 3, 4 डाई फेंकेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगेन दोबारा रीड करो, आई नो बहुत कंफ्यूजिंग वाली स्टेटमेंट है, दोबारा रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, आ जाएगा, मैं लिख रहा हूं वैसे भी, जो है क्या इसमें, एक लड़की 5 और 6 फेंकती है, अगर डाई को रोल कर रही है, डाई रोल किया 5 और 6, क्या है 5 और 6, अगर डाई रोल करती है और 5 और 6 आता है, तब वो कॉइन को 3 बार उछाल रही है, तब वो क्या कर रही है, तब वो कॉइन को, अगर 5 और 6 आता है तो वो कॉइन को 3 बार उछालती है, कॉइन को 3 बार, अब देखो कॉइन को अगर हम 3 बार उछाले तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, क्या क्या पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं भाई, 8 इवेंट होते हैं, हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल टेल हेड, यही होगी भाई, सभी के साथ 5 आ जाएगा ना भाई, 5 के साथ ये भी आ सकता है, 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 ऐसे 6 के साथ होगा, 6 हेड 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 6 हेड हेड टेल 6 हेड टेल हेड, और उसके बाद 6 टेल हेड हेड, और उसके बाद 6 टेल टेल हेड 6 टेल हेड टेल 6 हेड टेल टेल 6 टेल टेल टेल, यही तो होगा ना भाई। चलो यानी 5 और 6 अगर डाई पे आता है तो वो 3 बार कॉइन उछालती, टन टन टन, ठीक है,
तो भाई जो पांच और छह के साथ इवेंट ये हो जाएंगे, होंगे कि नहीं बच्चों, यही सारे इवेंट होंगे भाई। कॉइन को तीन बार उछालते हैं, तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल, आठ इवेंट टोटल पॉसिबल बनते हैं भाई। आठ पांच के साथ आ जाएंगे, पांच आठ इवेंट इन सॉरी जो आठ इवेंट पांच के साथ हो जाएंगे और नेक्स्ट आठ इवेंट छह के साथ हो जाएंगे। अब आगे क्या है, अगर वो एक दो तीन चार रोल करती है, क्या है अगर वो दूसरा यहां पे, अगर वो ये पहला फेज हो गया ऐसे भाई, दूसरा फेज है, अगर वो एक दो तीन चार रोल करती है, एक दो तीन चार फेंकती है पासे पे, तो भाई वो कॉइन को एक बार उछाल दिए, क्या कर रही है कॉइन को एक बार। अब कॉइन को अगर हम एक बार उछालेंगे तो कॉइन के साथ क्या आ सकता है भाई, एक बार उछालने पे हेड या टेल आ सकता है, तो वन के साथ हेड, वन के साथ टेल, टू के साथ हेड, टू के साथ टेल, थ्री के साथ हेड, थ्री के साथ टेल और फोर के साथ हेड, फोर के साथ टेल, यही आएगा। देखो पॉसिबल आउटकम, अगर वो वन टू थ्री फोर रोल कर रही है। अब देखिए यहां पे सवाल क्या है, सवाल क्या है ये अब हमें समझ, If she obtained exactly one head, अगर वो exactly one head obtain करती है, तो इसकी क्या probability है कि वो one, two, three, four die को roll करेगी? तो देखिए यहाँ पे दो event क्या हो गया, even is the event, five और six comes up, पांच और छह आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पांच और छह, तो दो फेवरेबल आउटकम है भाई, एक डाई को रोल करते हैं छह इवेंट होते हैं टोटल, तो दो पांच और छह में से टोटल इवेंट कितने हो गए, दो हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी कि 1/3 हो गई। E2 इज द इवेंट, शी विल थ्रो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, अगर ये आता है, इफ ये सब आता है कम सब, ठीक है, तब यहाँ पे PE2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/6 यानी कि ये भी 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ए इज इवेंट, ए क्या यहाँ पे इवेंट है, ए इज इवेंट, ठीक है, क्या इवेंट है, इज इवेंट दैट वन हेड बोला एग्जैक्टली, वन हेड कम्स अप यानी एक हेड आएगा, ठीक है, वन हेड कम्स अप आएगा, ठीक है। अब भाई अब हेड अगर आ रहा है, ठीक है, तो हेड तो इसमें भी आएगा 5 और 6 में भाई, 5 और 6 अगर वो फेंकती है तब यहां पे एक एग्जैक्टली एक हेड क्या होगा, एग्जैक्टली एक हेड देखो एक तो ये वाला केस है, एक ही हो गया और एक ही हो गया, तीन पॉसिबिलिटी यहां पे और तीन पॉसिबिलिटी यहां पर भी है, एग्जैक्टली वन हेड है ना, अगर वो ये वाला फेंक रही है 5 और 6, तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हो गए भाई, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना आउटकम में से, टोटल यहाँ पे 16 आउटकम है, 6/16 16 आउटकम है, तो यानी कितना आ गया, ये आ गया 3/8, देखो जरा 6 एग्जैक्टली वन हेड बोला है, एग्जैक्टली वन हेड का मतलब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वन हेड है ये, ठीक है, तो टोटल 6 आउटकम है यहाँ पे, तो 6/16 हो जाएगा, टोटल 16 आउटकम हो गए। अगर वो मान लो फेंकती है 1, 2, 3, 4, अगर भाई ये अगर फेंक रही है डाई, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम है और इसके साथ एग्जैक्टली वन हेड 4 बार आ रहा है, टोटल कितना आउटकम है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आउटकम है, तो ये आ जाएगा 4/8, इसको मत काटो ऐसे छोड़ दो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो probability she will throw 1, 2, 3 और 4, तो यानी कि इसकी क्या probability है कि वो जो पासा है, जो डाई है, ठीक है, वो 1, 2, 3, 4 ही फेंकेगी, 5, 6 नहीं फेंकेगी, तो भाई आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी PE2/A और ये हेड शो करेगा, तो भाई सिंपल है, बेस थ्योरम है PE2 × PA/E2 अपॉन में PE1 × PA/E1 + PE2 × PA/E2। अच्छा
ये क्वेश्चन एक ऐसा सवाल था जिसमें हमें सब चीज निकालनी थी, जिसमें हमें कुछ नहीं गिवन था, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं था। इससे पहले जितने भी सवाल थे सब में डायरेक्ट था भाई, भाई टोटल बॉल है, रेड निकाल लिया, टोटल रेड अपन में टोटल बॉल्स, अभी तक हम बिल्कुल डायरेक्ट मिल जाता है सब कुछ। लेकिन इसमें हमें सब कुछ निकालना पड़ा है भाई, और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ा है, सैंपल स्पेस बनाना पड़ा है इसके अंदर, ये इवेंट्स बनाने पड़े इसके अंदर। तो ये ऐसे सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और रैली में आया हुआ एक सवाल है, ये भी 95% एग्जाम में पूछा जा सकता है, 95% चांसेस सवाल के आने के। तो परसेंटेज में इसलिए बताता हूं, 5% मैं भी श्योर नहीं हूं, मैं भी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं भाई, द प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन एग्जाम में फॉल करेगा इसकी है 95/100, यानी 0.95 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 1 से थोड़ा सा कम। चलिए भाई पुट कर दो सारी वैल्यू, क्या क्या गिवन है, 2/3, 4/8 इंटू कर लो, 2/3 इंटू में 4/8, सेम नीचे क्या आ जाएगा भाई, 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू में व्हाट, 3/8 है ना, प्लस 2/3 इंटू में 4/8, देखिए 3 और 8 सारे कट जाएंगे, 3 8 सब कट जाएंगे ऊपर नीचे, यहां भी 3 8 है, यहां भी 3 8 है, ऊपर भी 3 8 है, सब कट गया भाई, 2 चौक 8, ठीक है, 3 और 2 चौक 8, 3 जमा में 8 कितना हो गया, 8/11, इसका आंसर आएगा 8/11, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, रियली इट्स अ वेरी हॉट क्वेश्चन, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला सवाल है सच में ये। और एक और सवाल है हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला, डायमंड वाले एक कार्ड लॉस वाला सवाल है इसके अंदर, वो भी करने जा रहे हैं, ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन, देखो कैसे सॉल्व कर रखे, उतार लो इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर ए बी सी, फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, वेयर द अदर 2 ऑपरेटर बी एंड सी प्रोड्यूसेस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम्स रेस्पेक्टिवली, ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द आइटम, बी इज ऑन द जॉब ऑफ 30% ऑफ द आइटम एंड सी इज ऑन द जॉब ऑफ 20% ऑफ द आइटम, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई ए। चलिए बिल्कुल वही सेम सवाल है जो हमने इससे पहले किया था, ठीक है, वो डिफेक्टिव आइटम वाला वैसा ही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो थोड़ा सवाल उल्टा कर दिया इन्होंने, इन्होंने थोड़ा सवाल उल्टा कर दिया है, देखो यहाँ पे 3 मशीन है ए बी सी, अभी मशीन जो आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है भाई, पहली मशीन जो आइटम प्रोड्यूस कर रही है 50% कर रही है, ये ध्यान रखो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था सवाल, दूसरी मशीन 30% और तीसरी मशीन 20%, तो भाई ये आपके इवेंट है E1, E2, E3, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम तो आपका A by E1 में आ जाएगा, वो गिवन इवेंट है, और ये हमारे पास सिलेक्टिंग वाला इवेंट है, तो हम इस तरह सिलेक्ट करेंगे, और ये डिफेक्टिव आइटम बना रहे हैं भाई, डिफेक्टिव आइटम जो बना रहे हैं भाई, पहली वाली मशीन जो है 1% डिफेक्टिव आइटम बना रही है, दूसरी वाली 5% डिफेक्टिव बना रही है, और तीसरी वाली 7% डिफेक्टिव बना रही है। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट E1, E2, E3 आर इवेंट्स, इवेंट्स दैट आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए बी सी रेस्पेक्टिवली, लेट कर लो कि आइटम जो है मशीन ए बी सी बना रही है रेस्पेक्टिवली, E1, E2, E3 उसकी इवेंट होगी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P E1 तो हो गया भाई 50/100 है ना, 50/100 का 5/10 लिख देना, पूरा मत काटो, हम बाद में काट लेंगे, PE2 क्या आ जाएगा भाई 30/100 यानी कि 3/10, PE3 क्या आ जाएगा यहाँ पे यानी कि 20/100 यानी कि 2/10, छोड़ दो ऐसी भाई, पूरा मत काटना, 1/5, 1/2 मत कर देना, वरना कैलकुलेशन टफ बना लोगे आप। A is event of defective item. A यहाँ पे defective item है, और इसकी जो probability है कि defective item machine A बना रही है, that is P A by E1, यानी defective item is manufactured by the machine A,
और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/100। मशीन बी जो है डिफेक्टिव आइटम बना रही है भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/100, ठीक है। और ऐसी मशीन जो 3 है सी, वो डिफेक्टिव आइटम बना रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/100 हो जाएगी। अब सवाल क्या है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिफेक्टिव आइटम है मशीन बी बना रही है, मशीन बी जो है सॉरी ए, मशीन ए जो है, मशीन ए जो है डिफेक्टिव आइटम बना रही है, मशीन ए डिफेक्टिव आइटम बना रही है। सो पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन, बेस थ्योरम अप्लाई कर लो भाई, यानी पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन। आई थिंक ये पहला सवाल है जहां तक मुझे पता है जिसमें ये तीन इवेंट का सवाल दे रखा है, अदरवाइज हम लोगों ने सबको दो दो इवेंट में निपटाया है मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा स्कूटर वाला भी तीन इवेंट में था, यस यस, इस स्कूटर वाले तीन इवेंट का था, पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ए बाई ई थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया भाई बेस थ्योरम का फॉर्मूला, ये बेस थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने। अब भाई रख दो, पुट कर दो वैल्यू, तो भाई 5/10 इंटू में 1/100, सारी वैल्यू पुट करोगे, 5/10 इंटू में 1/100, सेम नीचे 5/10 इंटू में 1/100, सेकंड वाले केस में क्या है 3/10 इंटू में 5/100, 3/10 इंटू में 5/100, 5/100 है ना, यस। फिर तीसरे वाले केस में क्या है 2/10 इंटू में 7/100, 2/10 इंटू में 7/100, सारे 100 भाई कट जाएंगे और 10 भी कट जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे से, ऊपर तो आ गया 5, नीचे आ गया 5, 3 × 5 = 15, 2 × 7 = 14, है ना, सबको जोड़ लो, 5/20, 20 और 14 हो गया 34, 5/34 इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार और देख लो, और क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं, वेरी हॉट स्पेशल क्वेश्चन फॉर मी, मुझे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन, और रियली में एग्जाम में भी सवाल पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से सवाल को पूछा गया है, ऐसे नहीं अलग दो कार्ड खो गए, तीन कार्ड खो गए, एक कार्ड खो गया, तो ऐसे ऐसे करके सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। फिर रिमेनिंग कार्ड में से कार्ड निकाल लिया, तो चलिए देखते हैं सवाल में है क्या, बड़ी खास क्वेश्चन है ये, बहुत रियली में खास क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल है। अच्छा, और इस क्वेश्चन के चांसेस मैं बोलता हूँ 85% चांसेस क्वेश्चन के आने के, 85% क्योंकि पूछा गया है, दो तीन बार पूछ लिया सवाल ही, 85% चांसेस क्वेश्चन के आने के। सवाल क्या है, अ कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, यानी 52 पत्तों में से एक कार्ड खो गया, 52 पत्तों में से एक कार्ड लॉस हो गया है, यानी खो गया, लॉस्ट हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, अब जो बचे कार्ड, भाई एक कार्ड खो गया, अब कितने बचे, 51 कार्ड बचे, 51 कार्ड, वन ऑफ द रिमेनिंग, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, ठीक है, ऑफ पैक, दो कार्ड यहां से निकाले जा रहे हैं, यानी इसमें दो पत्ते निकाले जा रहे हैं, ठीक है, आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और दोनों के दोनों क्या है, डायमंड है, दोनों क्या है, डायमंड है। बच्चों इस सवाल को मैं इतना आसान तरीके से कराऊंगा ना, इतना आसान बना दूंगा ना कि आप कहोगे सर रैली में ऐसा सॉल्यूशन नहीं देखा हमने कभी, सीरियसली बता रहा हूं, आप मानोगे ऐसा सॉल्यूशन आपने देखा ही नहीं जो सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल नहीं देखा होगा ऐसा सॉल्यूशन कहीं पे भी और ना मिलेगा कहीं आपको, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन का मतलब समझो, सारी कहानी डायमंड के इर्द गिर्द घूम रही है, सारी कहानी डायमंड के इर्द गिर्द घूम रही है, आपके पास यहाँ पे दो इवेंट है, पहला इवेंट क्या है कि भाई कार्ड खोया है डायमंड का है, दूसरा इवेंट क्या है जो कार्ड खोया वो डायमंड का नहीं है, यहाँ पे दो इवेंट हो गए, पहला कार्ड जो खो रहा है वो डायमंड का है, दूसरा कार्ड जो खो रहा है वो डायमंड का नहीं है, मतलब जो कार्ड खोया है मान लो कि भाई डायमंड का कार्ड खो गया, अब लेट करो डायमंड का नहीं कोई और कार्ड खो गया, तो आपके पास दो इवेंट है, तो इस सवाल कैसे होगा भाई, लेट करोगे आप ऐसे, लेट इवन इज इवेंट द कार्ड, द कार्ड लॉस्ट इज अ डायमंड, यानी जो पत्ता खोया है वो डायमंड का है, और ई टू इज द इवेंट, इवेंट द कार्ड लॉस्ट इज अदर देन डायमंड, जो कार्ड लॉस हो रहा है वो डायमंड से, डायमंड का नहीं कोई और है, ठीक है, अदर देन डायमंड, डायमंड के अलावा कोई और कार्ड खोया हुआ है, तो देखिए
पहले केस में टोटल डायमंड के कार्ड कितने होते हैं? टोटल डायमंड के कार्ड कितने होते हैं भाई? मैंने लिखवाया था ये पूरा का पूरा मैंने खेल लिखवाया है पत्ती वाला, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देख लेने एक बार उसको पूरे, मैंने कार्ड के बारे में बता रखे कौन कौन से क्या क्या कार्ड है, ठीक है। स्पैड का, क्लब का, हर्ट का, डायमंड का, डायमंड मतलब ईट वाला लाल लाल कार्ड होता है, लाल पत्ता होता है, हमें लाल पीले से मतलब नहीं है, हमें बस डायमंड से मतलब है। तो भाई टोटल डायमंड के 13 कार्ड होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, 4 क्लेन होते हैं, 4 साम्राज्य होते हैं, डायमंड, स्पैड, क्लब और हर्ट। तो डायमंड के टोटल 13 पत्ते होते हैं, ऐसे सबके 13-13 पत्ते होते हैं, तो डायमंड के कितने हो गए? 13 पत्ते। भाई 13 में से कोई भी एक कार्ड लॉस हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13/52 यानी 1/4। भाई 52 टोटल पत्ते हैं और कार्ड लॉस हो गया वो डायमंड का है, एक पत्ता खोया है, तो 13/52 = 1/4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे E2 इज द इवेंट जो कार्ड लॉस हो रहा है डायमंड का, नहीं कोई और है, तो डायमंड का नहीं, इसका मतलब भाई इसको 1 में से माइनस कर दो, या आप ये देख सकते हो भाई 52 में से 13 गया, 39 बचा, 39/52 आ जाएगा, तब भी 3/4। देखो कार्ड डायमंड का लॉस हुआ 1/4 इसकी पॉलिटी, और कार्ड डायमंड का नहीं है तो क्या आ जाएगा? बाकी कार्ड में से कोई लॉस हो रहा है, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ए इज इवेंट, ए इज इवेंट, आगे क्या बोला है? अब यहां पे फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, अब कितने कार्ड बचे? एक कार्ड खोने के बाद 51 कार्ड बचे। अब यहां पे आपकी 51 कार्ड की गिनती शुरू होती है, अभी तक तो 52 कार्ड की बात थी, अब 51 कार्ड। ए इज द इवेंट, ठीक है, कार्ड जो निकाला जा रहा है वो दोनों डायमंड के हैं। ए इज द इवेंट ऑफ टू कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, दोनों कार्ड कैसे हैं यहां पे? डायमंड के। दो अब यहां पे दो इवेंट बैक टू बैक हो रहा है, यहां पे आपका ये आ जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट वाला केस, ठीक है। तब इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी, मान लो जो दोनों कार्ड है वो डायमंड के हैं, जो दो कार्ड निकाले डायमंड के हैं, अब दोनों कार्ड किससे बिलोंग कर रहे हैं? इवन से बिलोंग कर रहे हैं, इवेंट इवन से, ठीक है ना। जो कार्ड लॉस्ट है वो डायमंड का है। अब भाई 13 में से एक कार्ड तो खो गया, 13 में से एक कार्ड खो गया तो कितने बचे इस केस में? 12 कार्ड बचे ना भाई, 13 में से एक कार्ड डायमंड का खो गया, पहले वाले केस में एक डायमंड खो गया ना, कितने बचे भाई? 13 में से एक कार्ड खो गया तो 12 बचे ना, तो 12 में से दो कार्ड सिलेक्ट किए जा रहे हैं, है ना। तो 12 में से दो कार्ड मतलब 12/52 51, क्योंकि 51 बचे। भाई देखो डायमंड का निकाला जा रहा है जो लॉस कार्ड है, अब जो ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ए इज द इवेंट टू कार्ड्स आर ड्रॉन डायमंड, डायमंड का कार्ड निकाला जा रहा है, तो भाई दोनों डायमंड के कार्ड लॉस्ट कार्ड में से जो डायमंड का था पहला वाला, अगर मैं यहां से डायमंड का कार्ड निकालता हूं तो यहां पे एक डायमंड तो गायब है, तो 12 डायमंड बचे, तो 12 में से भाई दो डायमंड निकाल लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12/51, क्योंकि टोटल 51 कार्ड है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इनटू में क्या आ जाएगा? 11/50। भाई डायमंड निकाला, वापिस नहीं रख रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है ये, भाई दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं, ठीक है, एक वन आफ्टर अदर, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो 12 डायमंड में से कोई भी एक डायमंड का कार्ड निकल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 12/51, दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी 11/50। ये संतरे वाला केस था, जो संतरे वाला हमने सवाल किया था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। सो ऐसे ही अगर मान लो जो आप डायमंड का कार्ड निकाल रहे हो वो इसमें से निकाल रहे हो, E2 वाली में से, यानी इसका मतलब है इसमें तो डायमंड का नहीं खोया ना, इसमें तो कोई और कार्ड खो रहा है, तो इसमें डायमंड के तो पूरे 13 कार्ड होंगे, इसमें डायमंड के पूरे 13 कार्ड होंगे ना भाई, इसमें डायमंड का नहीं खो रहा है, इसमें डायमंड के पूरे 13 कार्ड है, लेकिन इसमें से डायमंड का खो गया, इसमें डायमंड के 12 कार्ड बचे थे। भाई 13 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 13/51, और ऐसे यहां पे बचे 12 कार्ड, उसमें से भी कोई एक कार्ड आ सकता है, तो 12/50। तो भाई यहां पे कार्ड जो लॉस हो, जो कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है इज द इवेंट, ठीक है, और ये डायमंड का कार्ड है, ठीक है, पहले इवेंट से आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसको इनटू कर लो, बेसिक से 12 × 12 और 1 13, 132/51 × 50, इसको ऐसी रहने दो, इसको वैसे इनटू कर सकते हो, आ जाएगा कितना? 5, 5, 5, 25, 2550 आ जाएगा, ऐसे इसको गुणा कर लो भाई, 12 × 36 और 12 × 12 और 3 = 15, 156/2550 हो जाएगा। चलिए अब यहां पे क्या बोला है कि जो कार्ड लॉस्ट है, जो लॉस्ट कार्ड है, प्रोबेबिलिटी निकलनी है कि जो लॉस्ट कार्ड है
वो एक डायमंड का था, यानी प्रोबेबिलिटी 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 लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। अब भाई लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड का है तो मतलब इवन है, यानी पी इवन बाई ए निकालना है आपको, बेस थ्योरम अप्लाई करोगे तो भाई पी इवन इंटू पी ए बाई इवन अपॉन में पी इवन इंटू में पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू में पी ए बाई ई टू, ऐसे हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, सारी वैल्यूज यहां पुट कर दो। पी इवन कितना हमारे पास 1/4 और इंटू में 1/4 इंटू 132/25/50, सेम नीचे 1/4 इंटू में 132/25/50 है ना, और प्लस में 3/4 इंटू में 156/25/50 ये हो जाएगा। भाई जो कट रहा काट दो, देखो 4 25 50 4 25 50 दोनों में कट जाएगा, तो ऊपर तो आ गया ओनली 132, नीचे आ जाएगा 132, 3 6 18 इसको इंटू कर लो, 3 6 18 कैरी गया 1 15 43 और 46 यानी 468, तो 132/8 और दो यहाँ पे आ जाएगा 0 10 यानी 6 3 9 10 0 और यहाँ पे 600 आ गया भाई, 600 आ गया दोनों का ऐड करने पे। अब कट रहा है तो काट दो भाई, किससे जाएगा ये जाएगा 6 से 6 दुनी 12 और 6 कम 6 0 फिर 11 पे और ये 50 पे, 2 पे काट दिया मैंने, तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि लॉस्ट कार्ड डायमंड का है वो 11/50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11/50 हो जाएगा। तो देखो ये कितना ब्यूटीफुल सवाल है और रियली में सोचने वाला सवाल है, ठीक है। तो बैक अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते तो आप सीधे इसको ऐसे इंटू कर देना, हमने जैसे पिछले वाले वीडियो में संतरे वाले सवाल किए थे, ठीक है, दो कार्ड निकाल लिए उसमें भी हमने ऐसे सवाल किए हैं, तो थोड़ा आप आइडिया वहां से ले सकते हो बच्चों, पिछली नॉलेज को यूज करो, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को जरूर यूज करो। चलिए अगला सवाल करते हैं, अब दो सवाल रह गए आपके और दोनों सवाल आपके क्या हैं, दोनों सवाल जो हैं ये ऑप्शन वाले एमसीक्यूज के हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी बेस थ्योरम खत्म हो जाएगी, फिर मिसलिनियस रह जाएगी। तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ ट्रूथ इज 4/5, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी दे रही है कि भाई ए जो है 4/5 के साथ सच बोलता है। कॉइन एक टॉस करता है, अगर यहां वो हेड को नोट करता है, नंबर ऑफ हेड इज नोटेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि देयर वॉज हेड, कि वहां पे हेड है। देखो लेट कर लो, इवन इज इवेंट, ही स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोल रहा है, इवन इज द इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या भाई, यानी कि 4/5 दे रखी है। और PE2 इज इवेंट, ठीक है, इवेंट E2 इज इवेंट, ही स्पीक्स लाई, ही डज नॉट से ट्रूथ, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस कर देंगे भाई, जो स्पीक ट्रूथ है तो 1 में से माइनस कर दोगे तो 1/5 आ जाएगी। ओके, अब यहां बोला है ही टॉस द कॉइन, कॉइन इज टॉस्ड और ए इज इवेंट ऑफ हेड, ए इज इवेंट ऑफ हेड हो जाएगा। अगर वो सच बोल रहा है भाई हेड आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 भाई, कॉइन को अगर एक बार टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो भाई टेल आ रहा होगा, तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच कह रहा है, कि इसको सच कह रहा है और ये हेड है, सच कह रहा है मतलब इट इज हेड, इट वाज द हेड, तो पी इवन बाई ए निकाल लें, बेस थ्योरम है, सो पी इवन इंटू पी ए बाई इवन अपॉन पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू और प्लस पी ई सॉरी हाँ पी इवन इंटू कोई नहीं आगे पीछे कर सकते वैसे छोड़ो इसको ऐसे लिख लो, ये ई टू हो गया, ये इवन और ये भी इवन, वैल्यूज पुट कर दो बच्चों सारी इसके अंदर। पी इवन कितना हमारे पास 4/5, ठीक है, पी ए बाई इवन 1/2 अपॉन में नीचे भी क्या आ जाएगा भाई 4/5 इंटू 1/2 और इसके बाद यहाँ पे 1/5 इंटू में 1/2। देखिए सारे 5 2 5 2 कट जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 5 और 1 4 और 1 5,
तो 4/5 इसका आंसर है। और इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों वो ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? ऑप्शन ए ठीक है भाई, ए इज करेक्ट। ठीक है, ऐसी भाई 14 सवाल है यहाँ पे, जरा क्वेश्चन नंबर 14 भी लगे हाथ कर लेते हैं। यहाँ पे दो सेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी और पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कौन सा इसमें ठीक है? तो इसमें भाई सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये याद रखना सी ऑप्शन ठीक है इसके अंदर, यानी जो पी ए बाई ए बी है इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए हो जाएगा। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए हो जाएगा। सो गाइज इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, ये वीडियो का अंत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे कंटेंट दे सके। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे कि लगे रहो, बस करते रहो निरंतर, कभी हार मत मानो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर आपके कदमों में होगी और आपके साथ आपको गले लगा रही होगी। ठीक है, तो चलो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द मिसलिनियस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस 13.4 हम लेके आएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तब तक आप लगे रहिए, करते रहिए और ये सारी चीजें सीखते रहिए। टाटा बाय।